गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई परनीत को वेलकम यू टू सेशन। जल्दी से आ जाएं, हम अपने स्किल सेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे इंग्लिश ग्रामर के, जिसमें हमने सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, पैरोस्पीक, बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो। क्या आपने उस होमवर्क को किया था? मैंने आपको कहा था हर सेंटेंस के टाइप में आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं, मम्मी से आके सवाल पूछने हैं, मम्मी से जाके बातें बोलनी है, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो राइटिंग्स रीडिंग्स आपकी इंप्रूव होगी। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आपके कमेंट्स दिखने लगेंगे मुझे। ठीक है, ग्रेट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम लोग कुछ बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं या फिर आपका रीडिंग भी करते हैं, है ना, मगर ज़्यादातर राइटिंग में और स्पीकिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। और ये कॉमन मिस्टेक्स ज़्यादातर जिसकी ग्रामर अच्छी होती है वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना। तो आप लोगों को एक इफेक्टिव स्पीकर बना, एक आप एक ऑफिसर्स बनने वाले हैं, तो आप ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप कॉमन नहीं रहेंगे ना, आप तो स्पेशल हो जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि कॉमन मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर। तो हम लोग कॉमन मिस्टेक्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हम लोग ग्रामर में करते हैं। आर यू गाइज रेडी? प्रतिभा, पीयूष, प्रीति, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, ठीक है, चलो मुझे आपके कमेंट्स दिखने चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है नहीं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, चलो, तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्प होंगे। इस बार मैं पीडीएफ में काफी सारे कंटेंट रिटर्न फॉर्म में भी दिया हुआ है ताकि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हुए तो आप पीडीएफ देख के भी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन मिस्टेक्स। आ जाते हैं पहले सेंटेंस पे। पहले मुझे आप बताओ इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहले तो आप खुद में देखो कि भाई आप लोगों को कौन सी मिस्टेक्स आती हैं, नहीं है। इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू, इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू, इनमें से दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ए या बी? चले क्विकली बताएंगे। ऋतिक,
ओके कनेक्टेड कर। ओके चलिए गाइस, तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू। ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट। या वीडियो पॉज हो गई थी, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन में प्रॉब्लम था, बट नाउ इट्स रिजॉल्व। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मुझे आप लोग आंसर दे रहे थे जल्दी से, तो मुझे बताएंगे, अरे यार मुझे आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट था। ओके गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट, आई एम सो सॉरी यार। क्या हुआ? ओके सो लेट्स स्टार्ट अगेन। चलो, बहुत ब्रेक लग गया हमारी क्लास में आज, तो इसको बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से आ जाते हैं। आप लोग ने मुझे बता दिया है कि आपका कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है? तो इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू, इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू, इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है गाइज, विच इज आपका इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू, तो करेक्ट सेंटेंस आपका यहां पर है ये वाला। अब ऐसा क्यों है, इसमें क्या मिस्टेक है? देखो गाइस, ये आपका यूजिंग इफ कंडीशनल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। हम लोग बहुत गलती करते हैं और स्पीकिंग में तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हम दोनों में विल लगा देते हैं, यहां भी विल लगा दिया हमने और यहां भी विल लगा दिया, गलत होता है। जब भी आप सेंटेंस में इफ लगाते हैं, इफ का मतलब क्या होता है? अगर, है ना? जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर तुम मिल जाओ जमानत छोड़ देंगे हम, ओके अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जॉब निकल जाएगी, तो जब भी हम कोई चीज कंडीशन रखते हैं, राइट, जब भी हम कोई कंडीशन रख के सेंटेंस बोलते हैं, तो हम वहां पे इफ का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं इफ कंडीशन। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा वैसे भी ब्रेक हो चुका है तो मैं नहीं चाहती क्लास थोड़ी सी हमारी खराब हो, ठीक है? चलो, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि जब भी सेंटेंस में आप इफ कंडीशनल्स का यूज करते हैं, तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इफ वाले जो क्लॉज होते हैं, अगर सेंटेंस में आपका वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ, और आपके पूरे सेंटेंसेस कंडीशनल के हिस्से बन जाएंगे, ठीक है? अगर आपके इफ वाले क्लॉज में पहले वाले जो यहाँ पे वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो नेक्स्ट वाले क्लॉज में आप विल, शैल, ठीक है, या फिर मे प्लस वी वन लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। अगर आपके इफ वाले क्लॉज में, अगर आपके इफ वाले क्लॉज में वी टू है, ओके अगर आपके इफ वाले क्लॉज में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अगर आपके इफ वाले क्लॉज में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वहां पे नेक्स्ट वाले क्लॉज में हम लिखते हैं वुड, शुड या फिर माइट प्लस V1, क्योंकि मॉडल से इसके साथ हमेशा V1 आता है, ओके? और अगर आपका इफ क्लॉज कंडीशन, आपका क्लोज कंडीशनल है, इसके साथ आपने हैड प्लस V3 लिखा है,
had plus v3 लिखा है, तो next वाले clause में guys, आपका जो next clause होता है उसके साथ आप would half plus v3 लिखते हैं. ओके इसको लिख लीजिएगा, मैं अभी बताऊंगी कैसे करते हैं. should half plus v3 का use करते, पहले note down कर लीजिएगा. ओके let's note it down और फिर हम इसमें discuss करेंगे. या फिर might half plus v3 का use करते हैं. ये आपके tense के questions में आता है ये topic, but बहुत important है, आपको ये लिखना आना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे sentence में conditionals use करते हैं. तो अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. अगर ऐसा हो जाता पास्ट में तो ऐसा हो जाता. अगर ऐसा होता जो कि अब नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में फर्क है. वी टू मीन्स हो जाता, अगर तुम पढ़ लेते तो एग्जाम निकल जाता. अगर ये तुम बोल रहे हो एग्जाम के एक दिन बाद, है ना, और अगर आप ये बोल रहे हो कि आपकी एज हो गई, आपकी एज निकल गई, आप अब एग्जाम भी नहीं दे सकते, तो आप ये कहोगे कि अगर मैं एग्जाम, बच्चों को कहोगे कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता तो आज मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता. मेरी बात समझ में आई? ओके तो आप याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये हमने कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करें, ठीक है. तो आप इन कंडीशनल सेंटेंसेस में इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लेना. जिनको वर्ब्स में प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिसमें वर्ब, हाँ, जिसको वर्ब में प्रॉब्लम है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. इसको फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है. अब ये बात याद रखना कि कब, ये एक रूल है कि इस वाले क्लॉज में आप कभी भी कोई मॉडल का यूज नहीं करते. आप इस वाले क्लॉज में कभी भी मॉडल का यूज नहीं करते हो. मेरी बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से इफ आई विल विजिट लंदन, आई विल मीट यू, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे विल लगाया, विच इज राइट, मगर इस वाले क्लॉज में हम विल का यूज नहीं करते. आप बोलते ना इफ इफ यू विल कम आई विल मीट यू, इफ यू विल, या फिर इफ यू वुड सिंग आई, इफ यू वुड सिंग आई विल अप्रिशिएट. गलत, बिल्कुल गलत. यहां पे अब कोई मॉडल नहीं लगाना. इफ वाले क्लॉज में कभी भी कोई मॉडल नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल कॉल यू एज सुन एज अराइव एट द एयरपोर्ट, ठीक है. एज सुन एज जो होता है ये भी कंडीशन रखता है कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा. इफ द प्लान सक्सीड, अगर प्लान सक्सीड होता है आई विल कम. तो जब भी आप कोई कंडीशन रखते हैं, इफ वाला लिखते हैं, अगर आप वहां पे इफ क्लॉज लिख रहे हैं, अनलेस लिख रहे हैं, ओके, एज सून एज लिख रहे हैं, मतलब कि आप कोई कंडीशन रख के बात कर रहे हैं, ठीक है. और जब भी आप कंडीशन रखेंगे उस वाले क्लॉज में मॉडल नहीं आएगा. मैम कौन से क्लॉज में विल का यूज नहीं करते हैं, प्लीज रिपीट. बेटा नैन्सी, जब भी आप कोई भी क्लॉज में इफ कह रहे हो, अनलेस कह, कंडीशन, अगर, इफ का मतलब क्या है, इफ का मतलब क्या, अगर, मैं आपको छोड़ो इसको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं, कंफ्यूजन है किसी किसी को इसमें, चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में सिखाती हूँ. जब भी हम बात करते हैं कंडीशन रख के, जैसे कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, अगर तुम जल्दी आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगी, अगर तुम कॉल करोगे तो मैं सोचूंगी, राइट. तो ये जितना भी हम अगर वाली बात करें, तो हमने क्या किया, जो भी हम नेक्स्ट एक्शन करेंगे वो उस कंडीशन पे डिपेंड है, ठीक है. तो ये अगर जो है ना, दैट इज इफ, ये इफ से आपने लिखना स्टार्ट किया, इफ लिखा, अनलेस लिखा, एज सून एज, कि जैसे ही तुम आओगे तब मैं बाहर आऊंगी, मतलब तुम जैसे ही आओगे तब बाहर आऊंगी, इसके पहले बाहर नहीं, अरे मैं नहीं खड़े होने वाली धूप में, राइट. तो जब भी आप किसी कंडीशन को रख के, जब भी आप कोई कंडीशन को रख के कोई दूसरी बात कहते हो, तो वो कंडीशन को हम कंडीशनल कह देते हैं. और कैसे पता चलता है कि कंडीशनल है, जब हम वहां पे इफ लगाते हैं. मेरी बात समझ में आई? तो आप इफ वाले क्लॉजेस में, ये आपका रूल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरह से याद रखिएगा कि इफ वाले क्लॉज में कंडीशन वाली बात में कभी भी मॉडल नहीं आता. मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है. ये सारे आपके मॉडल्स हैं और इनके साथ आप मॉडल्स का यूज नहीं करते हो. अब मेरी बात समझ में आ गई? वी वन, वी टू, वी थ्री क्या होता है बेटा, वर्ब. देखो वी वन क्या होता है, आप लोग बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. वैसे तो बहुत सारा टॉपिक पढ़ाना आप लोगों को. ओके वी वन क्या होता है, जिस स्टूडेंट ने पूछा है,
देखो V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है. तुम लोग मुद्दा कहीं और ही ले जाते हो, पर ठीक है पढ़ लेते हैं. V1 क्या होता है? जो भी वर्ब जिसमें कोई भी SES नहीं होता, ठीक है, जिसमें भी कोई भी SES नहीं होता, जैसे सिंग, डांस, प्ले, है ना, इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. इसको मैं वर्ब्स में पढ़ाऊंगी. V5 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस के वर्ब जिसमें आप SES लगाते हो, लाइक सिंग्स, डांस, डांसेस, प्लेस. ओके, ये वाला जो V1 है आप हमेशा हमेशा किसके साथ यूज करते हो? प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन के साथ. और इसको आप यूज करते हो सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, इसको आप यूज करते हो सिंगुलर नाउन के साथ. दूसरी चीज फिर आपका आता है V2, राइट. V2 होता है सिंग का हो जाएगा sang, danced, तुम लोग पूरा मुद्दा ही चेंज कर दिया तुम लोगों ने, played. ओके, तो आपका पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं V2, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं V2. जब भी हम सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात करें तो V2 का यूज करते हैं. V3 होता है इसका सिंग का होता है sang, sing, sang, sung, danced, played, है ना. ये कब यूज करते हैं? जब भी सेंटेंस को पैसिव बनाना होता है या सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में लिखना होता है. डोंट गो फॉर दिस, मैं वर्ब में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, अभी बेसिक बेसिक सीख लो, ठीक है. और V4 होता है आपका ING फॉर्म, दैट इज सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग और प्लेइंग. अभी इसको इतना ही समझ लीजिए और बाकी बातें हम लोग करेंगे वर्ब्स में, डिटेल में पढ़ाऊंगी. अभी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? शिखा, कन्हू, स्वीटी, आघा, अनुराग, एवरीवन क्लियर? सो दीज आर योर वर्ब्स के फॉर्म. तो मैंने क्या कहा कि जब भी सेंटेंस आपका कंडीशनल होगा, आपका इफ वाला क्लॉज होगा, तो अगर V1 है वहां पे तो नेक्स्ट वाले क्लॉज में आप विल, शैल या मे प्लस V1 लिखेंगे. अगर आपके नेक्स्ट वाले क्लॉज में V2 है तो आप में वुड प्लस V1, कुड प्लस V1, शुड प्लस V1, माइट प्लस V1 यूज करेंगे. और अगर आपके क्लॉज में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस V3 है, तो वहां पे आप वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3 का यूज करेंगे. ओके, तो कंडीशनल समझ में आ गया है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है. ये वाली बात समझ में आ गई, लेट्स गो टू द अदर पार्ट. अब मुझे बताओ, शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर, इसमें से कौन सा करेक्ट है? क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट. बेटा आप लोगों से ना फीडबैक भी मांगा जाता है, तो आप लोगों से जो भी फीडबैक मांगे अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस क्लासेस में, ठीक है. चलो, शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर, इसमें से मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. ये हम लोग लिखते हैं शी इज मैरिड विद दैट पर्सन या शी इज मैरिड टू दैट पर्सन, क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग राइट, कुछ स्टूडेंट्स गलत दे रहे हैं आंसर. यस, ध्यान रखिएगा, मैरिड के साथ आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगाते हैं. ओके, जो कॉमन कॉमन मिस्टेक्स हम लोग ग्रामर में करते हैं, जो हम लोग सारी कॉमन कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, जो आप जनरली गलतियां करो. तो शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर होगा. ध्यान रखना कि मैरी के साथ आप टू प्रेपोजिशन लगाते हैं, मैरिड के साथ विद गलत होता है. अगर आप लिख रहे हैं शी इज मैरिड विद, नहीं, मैरिड टू. ओके, शाहरुख इज मैरिड टू गौरी. ओके, यू आर मैरिड टू डैश. अब आप अपना अपना फुल फॉर्म, अब फिलर जो है वो फिल कर लीजिएगा, जिसका फिल हो गया है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ वो अभी भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है. तो मैरिड टू, गेटिंग माय पॉइंट. चलो आगे बढ़े, और कौन सी कॉमन मिस्टेक है मुझे बताओ. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है? ओके, बताएंगे इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट, बट वी वेंट टू मार्केट. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, है ना, हालांकि, हालांकि बारिश गिर रही थी हम फिर भी बाजार चले गए. तो हालांकि क्या होता है ना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझते हो आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जैसे कि बट, हम बट कब लगाते हैं? बट भी कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ. हमने एक बात पॉजिटिव की, फिर उसके बाद जस्ट ऑपोजिट उल्टी कर दी. जैसे यार पढ़ाई तो मैंने बहुत की थी, पढ़ाई तो मैंने बहुत की थी मगर एग्जाम नहीं निकला. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है,
क्या समझ रहे मेरी बात? दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन कि आपने एक बात पॉजिटिव बोली तो एक नेगेटिव बोल दी, एक नेगेटिव बोल दी तो एक पॉजिटिव बोल दी, है ना? तो आप दो नेगेटिव पॉजिटिव बातों को जोड़ रहे हो. हमने कहा यार खाना तो मैंने खाया था मगर भूख लग गई, है ना? खाना तो मैंने खाया था मगर फिर भी भूख लग गई. तो ये दोनों ऑपोजिट बातें हैं, बिल्कुल ऑपोजिट बात. तो जब भी आप पॉजिटिव नेगेटिव या ऑपोजिट बातें करते हो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? तो बट जो होता है ना ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है विरोधाभासी, हिंदी में कहते हैं विरोधाभासी बातें, ठीक है? तो बट विरोधाभासी बातें करता है और ऑल्दो भी विरोधाभासी बातें ही करता है. तो ये भी तो यही बोल रहा है कि हालांकि बारिश गिर थी फिर भी हम चले गए. बारिश में जनरली बंदे को जाना नहीं चाहिए, राइट? तो ऑल्दो और बट दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. और इंग्लिश में एक रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर एक वर्ड एक बात को कह रहा है तो उसी बात उसी वर्ड उसी से सेम मीनिंग वाला वर्ड हम नहीं लगाएंगे. एक ही टाइप के वर्ड एक ही मीनिंग के वर्ड हम बार बार सेंटेंस में लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में सुपरफ्लुअस कहा जाता है, ठीक है? तो हम सेंटेंस को सुपरफ्लुअस नहीं बना सकते. तो अगर मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑल्दो लगा दिया है या फिर मैं दो भी लगा दूं, है ना, ऑल्दो लगा दूं या दो लगा दूं, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है सेंटेंस में. तो मैं वहां पे दोबारा बट नहीं लगाऊंगी, ठीक है? मैं वहां पे दोबारा बट का यूज नहीं करूंगी. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट, ठीक है? ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट. हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम चले गए कहां? खेलने कूदने, ठीक है? तो और ये लिख लीजिएगा ऑल्दो और दो के साथ, ऑल्दो और दो के साथ आप आगे जाके कॉमा लगाते हैं, ठीक है? कॉमा लगाते हैं या फिर येट लगा देते हैं. येट किस लिए? येट क्या कहता है? येट बताता है फिर भी. आप ऑल्दो के साथ येट लगा सकते हैं जो कहता है फिर भी, ठीक है? एम आई क्लियर? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पता होंगे. देखो आज मैं कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर रही हूँ, उसमें से कुछ आपको पता नहीं होगा, अग्रीड, ठीक है? बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लासेस में आपका नाउन प्रोनाउन से एकदम बेसिक से टॉपिक्स आएंगे तो वो कवर हो जाएंगे. और जब आप इनको पढ़ते पढ़ते साथ में इनका रिविजन करोगे तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी. आज मुझे कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करनी थी क्योंकि आप लोगों के लिए राइटिंग है इंपॉर्टेंट, उस पर हम काम कर रहे हैं. मगर अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है, फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट. हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर जो लाऊंगी मैं तो चैप्टर वाइज चलेगा. तो वहां से जब आप चैप्टर वाइज आपके क्लियर हो जाएंगे तो ये वाली बातें भी अल्टीमेटली क्लियर ही हो जाएंगी, ठीक है? ओके, तो हम कह रहे हैं ऑल्दो, अगर मैं ये कह रही हूं बेटा क्या मैं एंड और को एक साथ लिख सकती हूँ? मैं एंड और एक साथ नहीं लिख सकती, है ना? या तो मैं ये लिखूंगी या तो मैं ये लिखूंगी, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूं कि एक ही मीनिंग वाले शब्दों को सेंटेंस में नहीं लिखते हैं. एक ही मीनिंग, ये भी बात को उल्टी कर रहा है ऑल्दो, और ये भी बट भी सेंटेंस को उल्टी कर रहा है. तो मैं एक ही मीनिंग वाले वर्ड्स को सेंटेंस में नहीं लिखूंगी. ऑल्दो लिख लिया है तो मैं वहां पे बट का यूज नहीं करूंगी. एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट में हम मूव करते हैं. चलो, दिस हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क. इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? क्लॉज क्या होते हैं बेटा? क्लॉज आपके वाक्यांश होते हैं. सेंटेंस होता है बड़ा, पूरा फुल सेंटेंस होता है, उसके अंदर जो वाक्य होते हैं छोटे छोटे वाक्य को क्लॉजेस कहा जाता है, ठीक है? छोटे छोटे वाक्यों को, एक सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उसे हम क्लॉजेस कहते हैं. ओके, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? दिस हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क. विच सेंटेंस इज करेक्ट? ओके, तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर आ रहे हैं. टेक्निकली अगर हम देखें तो ये दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है. पर दिस हाउस इज मेड ऑफ ग्लास एंड पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क. तो हम मेड के साथ ऑफ कब लगाते हैं और मेड के साथ फ्रॉम कब लगाते हैं? फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है, ठीक है? मेड के साथ फ्रॉम कब यूज करते हैं? देखो, जब कोई चीज अच्छा देखो जब कोई चीज वही फॉर्म पे रहती, अपना फॉर्म नहीं बदलती, जब कोई चीज उसी फॉर्म में रहती, जैसे ग्लास को मैंने उठाया और मैंने विंडो पे लगा दिया, तो ग्लास तो ग्लास ही रहा, ग्लास तो नहीं बदला,
है ना। तो जब कोई चीज जैसी है वैसे ही रहती है, वो बदलती नहीं है, तो आप वहां पे ऑफ लगाते हैं मेड ऑफ ग्लास। दिस हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, ये घर ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। मगर जब आप कोई चीज किसी कोई चीज बना रहे हैं, जैसे मिठाई बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, तो मिल्क अब मिल्क नहीं रहा, वो वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकता, उसका फॉर्म बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है, उसका फॉर्म बिल्कुल बदल चुका है। तो आप लिखोगे पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, राइट, छाछ इज मेड फ्रॉम मिल्क कह सकते हैं, कर्ड, और क्या कह सकते हैं, क्या खाने का मन कर रहा है तुम लोग को, क्या खाने का मन कर रहा है, चलो मिठाई, रस मलाई इज मेड फ्रॉम मिल्क अगर हमने कह दिया, तो अब रस मलाई को वापस हम लोग कुछ करके दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। तो जब उसका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से मतलब वापस उस फॉर्म पे नहीं ला सकते, उसका फॉर्म बदल चुका है, तो आप मेड के साथ गाइस फ्रॉम का यूज करते हैं। व्हेन ओरिजिनल मटेरियल कैन बी टेकन बैक इट इज मेड ऑफ, और व्हेन ओरिजिनल मटेरियल कांट बी टेकन बैक इट इज यूज मेड फ्रॉम, ठीक है। चलो कौन कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा है, काजू कतली, ओके ठीक है, काजू कतली इज मेड फ्रॉम काजू, है कि नहीं, काजू से ही बनती है, एंड बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, उसको तोड़ेंगे तो वो प्लास्टिक का फॉर्म वापस आ जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। अच्छा अच्छा, सब अपने खाने पीने को बंद करो, मेरी बात आई होप आपको समझ में आएगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। तो जब भी आप कुछ लिखें तो प्रेपोजिशन का ध्यान रखना, क्योंकि इसकी मीनिंग टोटली बदल जाती है, टोटली बदल जाती है, ठीक है। और कौन सी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, ओके ये वाली बात सेंटेंस आगे पीछे हो गया, तो ये वाली ऑल्दो मैंने आपको दिया था, ऑल्दो सेंटेंस हैव मेनी मेरिट्स डीमेरिट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट वाज योर नेम, व्हाट वाज योर आंसर, व्हाट वर योर आंसर, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है गाइस? अब मुझे बताओ इसमें से व्हाट वाज योर आंसर, व्हाट वर योर आंसर, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ए या बी? लैंजो, ओके, अंशु, तंशिका, कनक, हिमेंद्र, आंसर बताएंगे, व्हाट वाज योर आंसर, व्हाट वर योर आंसर, और अगर मैं लिखूं यहां पे व्हाट इज या आर यू डूइंग, आप क्या लिखूंगी, व्हाट इज या आर यू डूइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट है भाई, बताओ, व्हाट इज यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट है, क्या आना चाहिए? देखो यू के साथ है ना हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, यू के साथ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, यू आर, व्हाट इज, व्हाट आर यू डूइंग, तो यू के साथ हमने यहां पे लिया आर, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, अग्रीड, ठीक है। मगर जो योर है ना, योर जो है उसका पोजेशन बता रहा है, तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर क्या है, तो पोजेशन जो होते हैं आप योर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेते हैं, आप उसके नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो यहां पे ये तो सिर्फ तुम्हारा कह रहा है, आपका मेन नाउन कौन है, मैंने आपको याद है पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था, आपका मेन नाउन कौन है, आंसर, आपका मेन नाउन यहाँ पे आंसर है, तो आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, आंसर आपका सिंगुलर है, तो आप लिखोगे व्हाट वाज योर आंसर, मेरी बात समझ में आ रही है, व्हाट वाज योर आंसर, कंफ्यूजन हो जाती है कि यू के साथ तो हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो योर के साथ भी हम प्लूरल वर्ब लेंगे, नहीं, आप योर जो है पोजेशन बता रहे हैं, तो योर के साथ आपने जो भी नाउन लगाया है, अब वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है तो फिर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज योर आंसर टू इंडिकेट पोजेशन दैट इज समथिंग बिलोंगिंग टू द योर आर इज contradiction from the you are, इस पर हम discussion करेंगे अभी आगे। What is your cell phone? What is your cell phone? तो your नहीं, हमारा subject जो है वो है cell phone, हमारा subject जो है यहाँ पे वो cell phone है, और cell phone के according हमने verb लगाया is, ठीक है। What you are responsible for this project? अच्छा, what is this you are? इसका ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कौन क्या होता है, कौन बताएगा गाइस? यू आर, देखो जैसे हम लिखते हैं ना कांट, कांट क्या होता है, कैन नॉट, ओके, वोंट,
क्या होता है? विल नॉट. ओके, तो वैसे ही यू और कौन, ये जो आर लगाया है आपने, ये है यू आर. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस. आप योर और योर, योर जो होता है ये पजेशन को शो करता है. ठीक है, और योर, या अगर आप इसमें अपोस्ट्रोफ लगा के आर ही लगाते हैं तो ये यू आर है, यू आर. अगर मुझे ऐसे लिखना है यू आर माय फ्रेंड, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, यू अपोस्ट्रोफ आर माय फ्रेंड. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट. इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. इसे एब्रीविएशन से कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है. ठीक है, हाँ. पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व. कृष्णा का केकी, राम का घर, मीना का घर, मीना का फोन. तो जब भी हम पोजेशन, ओनरशिप बताते हैं कि इसका, उसका, ठीक है, रोहन का, मीना का, टीना का, तो पोजेशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफ्स का यूज करते हैं, राइट. तो आप यहां पे देखेंगे कि योर जो है, योर, माय, देयर, हर, ये पोजेशंस को शो करते हैं, राइट. योर कार, माय कार, हिज कार, देयर कार. तो योर जो है आपका पोजेशन को शो कर रहा है, और यू जो है आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस में आता है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं. तो यू के साथ आप वहां पे यू आर लिखेंगे, यू वर लिखेंगे, प्लूरल वर्ब लिखेंगे. मगर योर जब आप लिख रहे हो तो उसके साथ जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हो. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई. दूसरी चीज जो है, जब अगर आपका योर में अपोस्ट्रोफ है, ठीक है, अगर आपके में योर में अपोस्ट्रोफ है तो वो आपका पोजेशन नहीं है, वो आपका कॉन्ट्रैक्शन है. वो कह रहा है यू आर. ओके, वो कह रहा है यू आर. तो यू आर वेरी ब्यूटिफुल, बिल्कुल लिख सकते हो. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो ऐसे. अगर मुझे लिखना हो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे बताना कौन सा करेक्ट है. ठीक है, चलो मुझे बताओगे इसमें से कौन सा करेक्ट है. यू योर वेरी हार्ड वर्किंग. ओके, दिख रहा है ना आपको? दिस इज ओके. चलिए बताएंगे गाइस, इसमें से कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट सेंटेंस में बताओगे योर, योर वेरी वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग. ओके, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम बड़े हार्ड वर्किंग हो. यहां पे मुझे पोजेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं योर नहीं लगाऊंगी. योर पोजेशन शो करता है, दिस इज रॉन्ग. हम बोलेंगे यू आर, हमें यू आर की जरूरत है. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मुझे किसकी जरूरत है? दिस इज डैश फोन. तो मुझे यहाँ पे पोजेशन की जरूरत है कि भाई ये तुम्हारा फोन है, तुम्हारा, इसका, उसका, तो पोजेशन की जरूरत है. तो दिस इज योर फोन. गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? उज्जवल, नांसी, अंशुका, दिव्या, एमन, तनु. ओके, ग्रेट. एम आई क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. और आप लोग ने ये चीज कभी नोटिस की है कि हम लोग ये मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लिखने के टाइम कर देते हैं, राइट. ये मिस्टेक हम लोग लिखने के टाइम करते हैं. जैसे कि लेटर लिखते हैं तो योर सिंसियरली, राइट. अब हम इसमें योर सिंसियरली लिखेंगे या ये वाला योर सिंसियरली लिखेंगे? तो हम यहाँ पे योर सिंसियरली लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे. ये तो आपका कॉन्ट्रैक्शन है. गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी कॉमन मिस्टेक से हमें बचना है. आगे चलते हैं. चलो, मेनी पीपल डाई इन अ कार एक्सीडेंट. ओके, वी आर रेडी टू डाई फॉर आर कंट्री. ललिता विल डाई ऑफ कैंसर एंड मेनी पीपल इन इंडिया डाई फ्रॉम हंगर. इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है बताएंगे. यू आर वेरी स्मार्ट, बिल्कुल सही. योर सिंसियरली, बिल्कुल बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलो, मेनी पीपल डाई इन अ कार एक्सीडेंट. इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है आपके अकॉर्डिंग?
बेटा अपोस्ट्रोफ जो होते हैं, शिवानी शिवांशी अपोस्ट्रोफ जो होते हैं वो आपके पोजेशन को शो करते हैं, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ाया। और कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं वो शॉर्ट कर देते हैं, एब्रीविएशंस करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म ले आते हैं चीजों का। अच्छा इसमें मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, बताएंगे। ऐसे गलतियां हम लोग बहुत करते हैं और कुछ ही स्टूडेंट्स ने करा है, विच इज राइट। आपके सारे सेंटेंस करेक्ट है, ये ये और ये चारों सेंटेंस करेक्ट हैं। तो अब आपको लगेगा मैम डाई के साथ, मैंने डाई के साथ यहाँ पे इन लगा दिया, यहाँ पे डाई के साथ फॉर लगा दिया, यहाँ पे डाई के साथ ऑफ लगा दिया और यहाँ के डाई के साथ फ्रॉम लगा दिया, तो ये क्या चीज है इसको मैं समझाते हैं। ना 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 मेहनत करो, सारे ही सही है, सारे ही सही है यार, कोई भी गलत नहीं है। वेट रुको मैं बताती हूँ, जब भी इंसान किसी की डेथ डाई, यहाँ पे मैंने लिखा है वेट, ठीक है, किसी की डेथ एक्सीडेंट में होती है, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट में होती है तो अब वहां पे इन प्रेपोजिशन लगाते हैं, डाई इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कहना हो कोई पर्सन, कोई सेलिब्रिटी कुछ, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, तो उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई, तो आप डाई के साथ फिक्स प्रेपोजिशन इन लगाएंगे, ठीक है, डाई के साथ फिक्स प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। मेनी पीपल डाई इन अ कार एक्सीडेंट, मेनी पीपल डाई इन अ कार एक्सीडेंट, ठीक है। अगर आपको किसी के किसी कॉज के लिए, जैसे सोल्जर्स, हम लोग ये लिखते हैं सोल्जर्स डाई फॉर आर कंट्री, तो जब कोई व्यक्ति किसी कॉज के लिए है ना अपनी जान दे देता है, जैसे कि सोल्जर्स, जैसे कोरोना वायरस में डॉक्टर्स डाइड, ठीक है, मेनी डॉक्टर्स डाइड फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट, राइट। तो किसी कॉज के लिए कोई व्यक्ति अपनी जान दे दे तो उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, उसके साथ आप डाई का फॉर लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी डिजीज, किसी बीमारी की वजह से हो रही है, ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ, मैं सबको मार रही हूं आज मुझे ऐसा लग रहा है, ही डाइड ऑफ डायबिटीज, तो किसी की डिजीज की वजह से मृत्यु हो जाए तो आप वहां पे ऑफ लगाते हैं। और कोई इन सब तीन कारणों को छोड़ के बाकी कोई और रीजन की वजह से डेथ हो, जैसे भूखमरी से डेथ हो जाए, हंगर से, ड्रिंक करने से, किसी और अलग अलग कारण एक्सीडेंट वजह से, किसी से डेथ की वजह से डेथ हो जाए तो वहां पे हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप ध्यान रखना कि अगर एक्सीडेंट में डेथ हुई तो इन लगाएंगे, किसी, देखो फॉर तो आप लगाते ही हो, ये आपको पता है, ठीक है, ही डाइड, आई, ये सेंटेंस तो पता होगा, आई विल डाई फॉर यू, है ना, ये सेंटेंस तो आपने यूज भी किया होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, तो डाई फॉर तो आपको पता है, ठीक है, एक्सीडेंट में डेथ हुई तो इन लगा देना, ओके, और किसी से डेथ हो जाए तो ऑफ लगा देना, किसी चीज की वजह से, मतलब किसी बीमारी की वजह से उससे डेथ हो जाए तो ऑफ लगा दीजिएगा, और इन सबको छोड़ के कोई और वजह से डेथ हो गई, राइट, तो फ्रॉम लगा देना। मेनी पीपल इन इंडिया डाई फ्रॉम हंगर, मेनी पीपल इन इंडिया डाई फ्रॉम हंगर, तो भूखमरी से मृत्यु हो जाना, गेटिंग माय पॉइंट। Yes, Princess Diana died in an accident. She died in an accident. Okay, getting my point? Any confusion, guys? आप लोगों को कोई भी confusion, they are very common, but आप लोग बहुत mistakes करते हो, हर व्यक्ति इसमें mistakes कर देता है, तो ध्यान रखना. Okay, चले आगे बढ़े. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे. Next, next, next course में आते हैं. What was, यार ये इतना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको देखते हैं नेक्स्ट मैम. इट्स और इट्स में डिफरेंस, ठीक है, ये चीज वही है जो हमने योर पे पढ़ी है, ये चीज वही है जो हमने योर पे पढ़ी है. एंड मुझे, मैंने जो देखा है इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत 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 सारे लोग गलती करते हैं राइटिंग में, तो ये मिस्टेक होना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. तो ध्यान रखना गाइस, जब भी हम पोजेशन बताते हैं ना, तो दैट इज इट्स, जब भी हम पोजेशन की बात करते हैं, ओके, पोजेशन का मतलब होगा का, के और की, है ना, जब भी हम पोजेशन की बात करें इट्स इट्स, और जब भी हम कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज इट, ये है इट इज,
और ये मिस्टेक आई एम श्योर आप भी करते होगे, आप ये तो अपनी मिस्टेक व्हाट्सएप में भी करते होगे, है ना, ये आप लोग मिस्टेक व्हाट्सएप में भी टाइप करते 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 होगे, आई एम श्योर ऑफ इट। तो ध्यान रखना इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इट्स संडे टुडे, इट्स संडे मॉर्निंग, ओके, तो इट इज हमें चाहिए, तो ये वाली बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, इट्स संडे मॉर्निंग, इट्स संडे मॉर्निंग, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर अपोस्ट्रोफ है तो वो इट इज है, ठीक है, और बिना पॉजिटिव के मतलब इसका इट हम नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखती हूं क्या लगाएंगे मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आएगा, इट्स निप इज मिसिंग, इस पेन की जो निप है, क्योंकि इट जो है हम नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन की बात करनी हो तो, ठीक है। अब हमें कहना है इट्स निप इज मिसिंग, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, मैंने तो खुद ही नहीं लगाया, चलो तो इसमें कौन सा मैं यूज करूंगी, क्या करेक्ट आएगा। पोजेशन का मतलब होता है अनुष्का का, कि इसका, इस पेन का, इस पेन की निप मिसिंग है, है ना, तो आपको इसका, उसका, इनका, हमारा, तुम्हारा, ये पजेसिव है, राइट। जैसे हम कहते हैं माय कार तो मेरी कार, ठीक है, योर कार तो तुम्हारी कार, देयर कार तो उनकी कार, ठीक है, हर कार तो उस लड़की की कार, हिस कार तो उस बॉय की कार, में प्रोनाउन में पूरा पढ़ाई हुई हूँ आप लोगों को, टेंशन मतलब जब प्रोनाउन की क्लासेस आप लोगों के पास आएंगी तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, जो आपको प्रोनाउन में कंफ्यूजन होता है, जितने भी प्रोनाउन हैं आप लोगों को लगता है ना माई सेल्फ कब लगाते हैं, इट्स कब लगाते हैं, हर कब लगाते हैं, शी कब लगाते हैं, मी कब लगाते हैं, तो ये माइन कब लगा, सारा क्लियर कर दूंगी जब आपके प्रोनाउन की क्लास आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसकी निप मिसिंग है, पोजेशन की जरूरत है, तो बिना अपोस्ट्रोफ वाला लगाओगे, ठीक है। द फ्लोर लुक्स ग्रेट विद इट्स न्यू मैट, तो इसकी नई मैट से, तो नई मैट पोजेशन की इसकी नई मैट है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब है इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर रेन हो रही है, बारिश हो रही है। अब मेरी बात समझ में आ गई, एवरीवन अंडरस्टूड, तो आज के बाद आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज, इट्स अ पजेसिव प्रोनाउन फॉर इट्स थिंग्स, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने ज्यादा पीडीएफ में नोट डाउन नहीं किया था, मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोगों को अभी बहुत बेसिक्स वाली चीजें चल रही हैं, आप बहुत बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ना, तो मैं आपको पीडीएफ में भी काफी हद तक कंटेंट रिटन में दे रही हूँ ताकि आप लोग रिवीजन भी कर लो, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कॉमन मिस्टेक आप सबको क्लियर है, एवरीवन, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आगे वाली दूसरी कॉमन मिस्टेक पे चलूं, ओके, तो दूसरी वाली कॉमन मिस्टेक पे हम लोग चलते हैं, विच इज पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन, इसमें से कौन सा करेक्ट है बताओ, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन, यहां पे दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ए या फिर बी। साक्षी, कना, करुण, साक्षी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर है, दैट्स रियली ग्रेट। और हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जब भी, अगेन हम लोग पोजेशन की बात करें उनका, है ना, पेरेंट्स वर्क फॉर उनके बच्चों के लिए, तो उनके बच्चों के लिए, राइट, तो देयर के लिए मीन्स उनका, तो ये होता है पोजेशन, और ये देयर का मतलब क्या होता है, ये देयर का मतलब होता है वहां, वहां, ओके, ये THERE का मतलब होता है वहां, और ये मिस्टेक हम लोग जनरली कर देते हैं, पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन गलत है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देयर जो होता है हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अगेन फिर से इसको क्लियर करते हैं, देयर हम यूज करते हैं प्लेस के लिए, THERE यूज करते हैं पोजेशन के लिए, है ना, किसका पोजेशन होता है, ये दे का पोजेशन होता है, दे का पोजेशन होता है देयर, है ना, दे का पोजेशन होता है देयर, और ये वाला देयर क्या है, अब तो नहीं कंफ्यूज होगे, अब तो क्लियर बता दोगे, ये वाला दे होता है दे आर, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन,
दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड वी मेक मिस्टेक्स, राइट, हम ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं. चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज, बच्चे अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं, तो ये पोजेशन को शो कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमें पोजेशन शो करना है, उनके टॉयज, बच्चे उनके टॉयज से खेल रहे हैं. देयर आर मेनी शॉप्स, वहां बहुत सारी शॉप्स है, तो हम कह रहे हैं वहां, राइट, प्लेस की बात कर रहे हैं, तो टी एच ई आर ई, दे आर, ये मत, इसका मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू दिल्ली. ठीक है, दे आर गोइंग टू दिल्ली, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. ठीक है, चलो मैं जो बताऊंगी इसमें से करेक्ट कौन सा है, दे ठीक है, चलो बता दो कौन से करेक्ट हैं. दे, इन तीनों में से वेरी स्वीट, तो पहले वाले में क्या लगाओगे, पहले वाले में क्या लगाओगे आप लोग, मुझे बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. ओके, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो हम ये कहना चाहते कि वे बड़े स्वीट हैं, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी स्वीट, राइट. आई विल गो डैश विथ यू, आई विल गो, मैं वहां पे, मुझे यहाँ पे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे प्लेस के बारे में बताना है. सेकेंड वाले में मुझे यहाँ पे किसके बारे में बताना है, सेकेंड वाले में मुझे यहाँ पे प्लेस के बारे में बताना है, तो आई विल गो देयर विथ यू, आई विल गो देयर विथ यू. आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर डूइंग वेरी सिंपल थिंग्स, आपको लगेगा कि यह तो बहुत सिंपल है बेटा, मगर सिंपल सिंपल में तुम लोग मिस्टेक्स करते हो. आज बैठ के लिखना कुछ, आज का आपका होमवर्क होगा कि जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताए ना, उससे रिलेटेड आपको एक पैसेज लिखना. ठीक है, और देखना कि आप एक्चुअल में कितनी मिस्टेक्स करते हो राइटिंग में. यह आज आपका होमवर्क रहेगा, जितने भी मैंने आपको आज इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी, तो आप कोशिश कीजिएगा आज का होमवर्क जो होगा आपका, कि आप एक पैसेज लिखना 8 पेज का, किसी भी टॉपिक में, आज की क्लास के बारे में जो भी आप लिखना चाहो, मेरे बारे में जो भी लिखना चाहो, मैम ने कैसा पढ़ाया, या आज का आपका दिन कैसा रहा, तो उसमें ये शब्दों का यूज करने की कोशिश करना. एंड आप देखना कि आप मिस्टेक्स कितनी करते हो, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि यार हम लोग एक्चुअली में मिस्टेक्स करते हैं जिसे हमें सुधारना है. और कॉमन मिस्टेक्स में अगर आपको ये सेशन एक्चुअल में बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं इसका पार्ट टू भी लेके आऊंगी. ठीक है, इसका पार्ट टू भी लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो हम लोग करते हैं. ठीक है मैम, पैसेज नहीं लिख पाता, लिख पाओगे तो थोड़ा थोड़ा तो लिखोगे, एक 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 सेंटेंस पॉइंट, आप एक एक सेंटेंस में लिख लेना. ठीक है, 1 2 3 4 करके लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लिखने की जरूर कोशिश करना. अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, बिना कोशिश किए तो कुछ भी नहीं हुआ है इस धरती में, ना कुछ भी बिना कोशिश के नहीं हो सकता. अगर हम सोचेंगे हम करेंगे और हम नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते. चलो, दिस शर्ट इज टू इनफ फॉर मी, दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, चलो बताओ. दिस शर्ट इज टू इनफ फॉर मी, दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी. ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है. देखो, TWO का मतलब क्या होता है, TWO का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड. ओके, जरूरत से ज्यादा, उसे हम कहते हैं TWO, मोर देन रिक्वायर्ड. ठीक है, तो दिस टी शर्ट इज टू इनफ फॉर मी, ये जो शर्ट है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बड़ी है, मेरे साइज की नहीं है. ठीक है, अब इनफ, टू इनफ या टू बिग में हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी. ठीक है, अब टू और इनफ के बीच का हमें डिफरेंस देखना है, कि कहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू और इनफ के बीच में मतलब क्या है, हम कहां टू लगाते हैं और कहां इनफ लगाते हैं. देखो, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, टू का मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा. ठीक है,
जरूरत से ज्यादा, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना होना, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टी डब्ल्यू टू एंड इनफ। ओके, इनफ का मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना है, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो दैट इज टी डब्ल्यू टू, ठीक है। अब इसका यूज को समझ लेते हैं, ठीक। याद रखिएगा जो टी डब्ल्यू टू है ना, टी डब्ल्यू टू इज यूज बिफोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। टी डब्ल्यू टू जो है वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के लिए आता है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब्स है तब आप टी डब्ल्यू टू का यूज करोगे, उसके पहले। ही इज इनफ स्मार्ट, नहीं, ही इज टू स्मार्ट बोलेंगे, ही इज टू स्मार्ट, ज्यादा ही होशियार है। She is too beautiful, मतलब यार ऐश्वर्या is too beautiful। तो जब आप adjective लगा रहे हो या adverb लगा रहे हो और इसके सामने you have an option कि आप TW2 लगाओगे या enough लगाओगे, तो adjective और adverb के सामने TW2 का use करते हैं। Too means maybe, he is tall enough to touch fan। ये हम enough पे हम discussion करेंगे, फिलहाल तुम लोग two पे रहो, तुम लोग sentences जो बना रहे हो two पे बनाओ, enough पे मैं आ रही हूँ। Ma'am teaches too good. Okay, she is too beautiful. She is too smart. हाँ, he is too क्या लिखना चाहते हो, he के लिए जो भी लिखना चाहते हो तुम लोग खुद ही फिल कर लीजिएगा। तो TW2 आप लगाते हो adjectives या adverbs के लिए, जब हम कहते हैं काफी ज्यादा, जरूर से ज्यादा, ठीक है। और हम enough का यूज करते हैं मतलब पर्याप्त, पर्याप्त हम लिखते हैं नाउन के लिए। तो ध्यान रखना enough जो है ना हम नाउन के लिए यूज करते हैं, नाउन के पहले। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि TW2 जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के लिए आता है ना। TW2 जो है वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के लिए आता है, और enough जो है ना वो नाउन के लिए आता है, ठीक है। मैं अगर मुझे लिखना हो आई हैव टू प्रॉब्लम, टू या इनफ प्रॉब्लम्स, ये तो सबके पास है ना। ये एक ऐसी चीज है जिसकी किसी के पास कमी नहीं, इस पे लोग कंपीट कर सकते हैं कि भाई तेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है। ये एक लौती चीज है जिस पे लोग बोलते हैं भाई मेरे पास ज्यादा है पूरे धरती में, है ना। कोई भी जैसे लोग कंपेयर करते हैं कि ये तेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, तो ये एक लौती चीज है जिसपे लोग बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास ज्यादा है। तो आई हैव टू या फिर इनफ प्रॉब्लम्स, तो मेरे पास इनफ प्रॉब्लम्स है, मैं तुमसे इनफ दुखी हूं, मतलब मैं ज्यादा दुखी हूं, मैं ज्यादा परेशान हूं, है कि नहीं, अग्री। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग नाउन उसके पहले आप इनफ लिखोगे, टीडब्ल्यू टू नहीं लिखोगे, ठीक है। आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो टाइम नाउन है तो आपने इनफ लिखा। आप यहां पर ये नहीं लोगे आई डोंट हैव टू टाइम, नहीं, आई डोंट हैव इनफ टाइम। द रिंग वॉज टू स्मॉल, तो स्मॉल एडजेक्टिव है ना। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। जब स्मॉल देखो एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे, तो जब भी आप कोई शब्द किसी नाउन के लिए लिखे हो वो एडजेक्टिव होता है ना। जब भी आपने कोई शब्द नाउन के लिए लिखा है तो वो एडजेक्टिव होता है, तो आप उसके साथ टी डब्ल्यू टू का यूज करोगे। एग्जाम्पल दू, चलो कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप लोग मुझे बताओगे क्या करेक्ट होगा इसमें से। ये सब अपने लिए मानते हैं, है ना। आई एम ये सबके लिए, ये सबसे बड़ा सेंट, ये ज्यादातर यूज किया जाता है मम्मियों के द्वारा। क्या लगाएंगे, आई एम टू या इनफ गुड फॉर यू, किस्मत तुम्हारी अच्छी थी कि मैं मिल गई। मम्मी लोग कहते हैं ना, एक तो मैं ही हूं जो तुम्हें झेल सकती थी, किस्मत तुम्हारी अच्छी थी। आई एम डैश गुड फॉर यू, आई एम डैश गुड फॉर यू। सो गुड इज एन एडजेक्टिव, तो क्या लगाओगे, आई एम टू गुड फॉर यू, भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे के हिसाब से तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हूँ, किस्मत तुम्हारी ज्यादा अच्छी थी। मम्मी लोग कहते हैं ये डायलॉग है कि नहीं, पापा लोगों को मम्मी दीदी तुम लोग की शादी हो जाएगी तुम लोग भी यही डायलॉग दोगे। ओके, एक और सेंटेंस लिखूं। दे हैव टू या इनफ मनी टू बाय दिस, टू बाय अ कार, ठीक है। दे हैव टू या इनफ मनी टू बाय अ कार, क्या लगाओगे, क्या आंसर आ जाएगा गाइस, चलो क्विकली बताओगे। दे हैव टू या इनफ मनी टू बाय अ कार,
they have money is a noun, money is a noun, so we'll use they have enough money, उनके पास भाई इतना पैसा है कि वो ये कार बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनफ में कंफ्यूजन भी है, आप लोगों को भी लग रहा होगा मैम इनफ में ना इनफ दो तीन सेंटेंस में यूज किया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाता है, इनफ का एक और यूज है, तो पहले तो मैं इसको ये लिख दिया, मैंने ये भी लिख दिया। अब याद रखना गाइस, इनफ में भी एक अदला बदली है, ऐसा नहीं कि इनफ एडजेक्टिव के साथ नहीं आता, ना ना ना, ठीक है, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं, आई डिलीट नहीं दे सकती, मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो कंफ्यूजन नहीं तुम लोग को। ओके, अगर मुझे सेंटेंस में इनफ लिखना है एडजेक्टिव्स के साथ भी, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव्स के साथ इनफ नहीं आता, आता है, कब आता है, कैसे आता है, मैं बता देती हूँ। अगर आपको इनफ लिखना है तो इनफ जो है ना नाउन के पहले आता है, जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है, इनफ नाउन के पहले आता है। और अगर इनफ लिखना है एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ के बाद इनफ आता है। ये भी सेंटेंस में हम लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इनफ आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इनफ मनी, ओके, आई हैव इनफ मनी, आई डोंट हैव इनफ मनी, बट वी कैन से आई हैव इनफ मनी, ओके, वन सिंग ही इज स्मार्ट इनफ, He is beautiful enough, he is intelligent enough. इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि वो इतना होशियार है कि वो अपनी problems को solve कर सकता है. He is smart enough to solve the problem. She is intelligent enough to tackle the situation. ठीक है? I am educated enough to qualify the exam. So ध्यान रखिएगा, अगर आपको adjective adverb के कुछ पहले लिखना है तो आप to लगाते हो, adjective adverb के बाद लिखते हो तो आप वहां पे enough का यूज करते हो। यहां पे सेंटेंस दूं आपको एग्जाम्पल, चलो यहां लिख रही हूं, शी इज enough गेटिंग माई पॉइंट, शी इज स्मार्ट इनफ, ओके, शी इज स्मार्ट इनफ। तो अगर इनफ लगाए हो एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए तो बाद में लगाना, और अगर नाउन के लिए लगाए हो तो पहले लगा देना, ठीक है। दे हैव इनफ प्रॉब्लम्स, मतलब उनके पास, आप ये नहीं लिखोगे दे हैव प्रॉब्लम इनफ, नहीं, दे हैव इनफ प्रॉब्लम्स नाउन के पहले, और एडजेक्टिव एडवर्ब है तो उसके बाद पे लिखोगे। एम आई क्लियर गाइस? अच्छा, मुझे बताना, मैं सेंटेंस लिखती हूँ या बोलती हूँ, आपने मुझे बताना करेक्ट है रॉन्ग है, ठीक है। शी इज, अच्छा, राहुल गांधी इज टू स्मार्ट, इनफ स्मार्ट, क्या आएगा? राहुल गांधी इज टू स्मार्ट या इनफ स्मार्ट, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे तुम्हारे हिसाब से? राहुल गांधी इज टू स्मार्ट या इनफ स्मार्ट, ठीक है। ही हैज, ही हैज इनफ पीपल या पीपल इनफ विथ हिम, ठीक है। He has enough people या फिर people enough with him, क्या लगाओगे? Confusing है, किसी को confusion है guys इसमें? If you are getting confused, please let me know, मैं आपको example से किसा कर दूंगी क्लियर। तो को मैं लिख के बताती हूँ यार, तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो, don't worry, मैं आपको slides में question देती हूँ। ये वाली बात जो आप लोगों को मैंने confuse कर दिया है, जो आपको ऐसा लग रहा है, कुछ सेंटेंस लिख देते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी, कोई बात नहीं,
चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, मुझे बताना ठीक है। किसको किसको कंफ्यूजन है भाई इस वाली बात में, किसको किसको कंफ्यूजन है? मैं लिखती हूं राहुल इज स्मार्ट इनफ या फिर ठीक है यहाँ पे कंफ्यूज हो तो आप सोचो कि आप लोग कितने मिस्टेक्स करते होगे। चलिए बता दो, अब मुझे बता दो क्या क्या होगा। राहुल इज स्मार्ट इनफ या इनफ स्मार्ट, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि इनफ जो है एडजेक्टिव एडवर्ब्स के यहाँ बाद में आता है, तो राहुल इज क्या होगा, स्मार्ट इनफ। आपका जो इनफ है वो एडजेक्टिव एडवर्ब्स के बाद में आता है, तो राहुल इज स्मार्ट इनफ। स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये है और ये गया। नेक्स्ट, ही इज टू ब्यूटिफुल, ज्यादा गलत तो नहीं होगा। चलो लड़कों में भी ब्यूटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ही इज टू ब्यूटिफुल या फिर टू ब्यूटी, तो हमने डिस्कस किया था कि टू जो है टी डब्ल्यू टू किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ही इज टू ब्यूटिफुल, सॉरी हमने उल्टा कह रही हूं, ठीक है। टी डब्ल्यू टू जो होता है वो एडजेक्टिव के लिए आता है, नाउन के लिए नहीं आता। तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो ये गलत हो जाएगा। टी डब्ल्यू टू एडजेक्टिव के लिए आता है, तो इस हिसाब से टू ब्यूटिफुल हो जाएगा। दे हैव प्रॉब्लम इनफ या फिर इनफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स फिलहाल नाउन है और हमने ये डिस्कस किया था कि जो इनफ है नाउन के पहले आता है ना, जो इनफ है वो नाउन के पहले आता है, तो हम लिखेंगे दे हैव इनफ प्रॉब्लम्स। अभी तो क्लियर हो गया कंफ्यूजन, अब एकदम क्लियर हो गया सबको। रिया, प्रियांशु, सानिया, एंजल, एवरीवन, नाउ यू गेटिंग कि हम लोग कहीं भी कभी भी कुछ भी लगा देते हैं, मगर इंग्लिश में बहुत सारी चीजों का रूल है। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड, नॉट अ प्रॉब्लम। चले आगे, नई मिस्टेक देखे। ओके ग्रेट, तो हम लोग नई मिस्टेक देखते हैं हम और कौन सी मिस्टेक करते हैं। चलो ये वाला इंटरेस्टिंग है जिसमें हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, एंड आई एम डेड श्योर कि आप ये मिस्टेक करते होगे, क्योंकि ये अगर जिसने नहीं पढ़ा वो हमेशा मिस्टेक करता ही करता है। इसमें से बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है एंड कौन सा रॉन्ग है। ओके, He need a car for his everyday activities. He need a car for his everyday activities. यहाँ पे ये वर्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये अलग है। अब आप सोचोगे मैम इतना भी डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा, इट और इस का शॉर्ट फॉर्म इट अपोस्ट्रोफ इस, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना, सिकुड़ दिया आपने, छोटा कर दिया। अब मुझे बताओ, he needs a car for his everyday activities, he needs a car for his everyday activities, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ए या फिर बी? अच्छा मुझे सच्ची बताना, गए सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। आप में से कितने लोग जो आंसर दे रहे हैं वो अपने दोस्तों की बदौलत आंसर दे रहे हैं? देखो मैं टीचर हूँ, मुझे भी पता है आप लोगों की कहानियां, हम भी एक कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी बच्चे थे। तो आप लोगों में से कितने सारे स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं वो अपना नहीं, मतलब कि चलो ए की लहर चली है तो ए ही सही, बी की लहर चली है तो बी ही सही, ऐसी वाले हालात हैं। कितने स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं? मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है है ना, सही कह रही हूं मैं?
हाँ बिल्कुल, कि उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि यार जो लहर चल रही है वही बोल देते हैं, आता नहीं तो क्या हुआ, दोस्त तो है ही ना, काम तो आ ही रहे हैं, चलो आ जाते हैं। तो गाइस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ये वाला एवरीडे और ये वाला एवरीडे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो एवरीडे इज एन एडजेक्टिव दैट मींस कॉमन प्लेस और कॉमन प्लेस या फिर हैपनिंग एवरीडे। तो कोई चीज एवरीडे क्या होता है, जो कोई चीज जो होती है ओके तो पहली बात तो याद रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एवरीडे बिना स्पेस वाले एवरीडे एडजेक्टिव है, पहले तो ये बात याद रखना ठीक है। बिना स्पेस वाला जो एवरीडे है वो एडजेक्टिव है, और स्पेस वाला जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, मतलब एडवर्ब मान लो। एडवर्ब्स किसके लिए, देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में सबसे बेसिक फर्क है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है वो एडजेक्टिव है, अगर कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है वो एडजेक्टिव है, और बाकी किसी के लिए भी आया हो वो एडवर्ब है ना। बाकी वो किसी एडजेक्टिव के लिए आया, किसी वर्ब के लिए आया, किसी एडवर्ब के लिए, किसी के लिए भी आया हो वो एडवर्ब है, ध्यान रखना। तो एडजेक्टिव क्या, अगर शब्द नाउन प्रोनाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव, बाकी सब छोड़ के एडवर्ब है ना। तो आपका पॉइंट ये है एवरीडे एक एडजेक्टिव है और एवरीडे स्पेस वाला एक एडवर्ब फ्रेज है ठीक है। अब दोनों के मीनिंग में फर्क क्या है, एवरीडे जो एडजेक्टिव है वो कहता है कोई चीज कॉमन प्लेस है या फिर कोई चीज जो कि रोज हो रही है ना, कोई चीज जो कि रोज हो रही है। और एवरीडे इज एन एडवर्ब दैट मींस ईच डे और डेली, इट कैन बी रिप्लेस विद ईच डे और ऑल डे है ना। तो प्रत्येक दिन, तो जब प्रत्येक की बात हो ना, प्रत्येक की बात हो तो एवरीडे, और रोज की बात हो मतलब कि कोई चीज हर दिन हो तो उसको हम एवरीडे की बात करते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आई मीट हिम, देखो इसको सिर्फ एडजेक्टिव एडवर्ब से हटा देना वहीं क्लैरिटी आ जाएगा। आई मीट हिम, तो यहाँ पे मिलने की बात हो रही है, मिलना वर्ब है, तो वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, आई मीट हिम एवरीडे ठीक है। ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा इसलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, आई मीट हिम वर्ब के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए तो मैं एवरी डे लगा दूंगी। ही गोज टू कॉलेज ठीक है, वो कॉलेज जाता है रोज, रोज की बात हो रही है ना, उसके एक्शन के लिए बोल रहे हैं कि भैया वो जाता है कॉलेज रोज, तो रोज कहना हो एक्शन के लिए आपका तो एवरी डे ठीक है। और अगर किसी नाउन के लिए लगाना है राइट, आई नीड अ लैपटॉप फॉर माई एवरी डे वर्क, आपने यहाँ पे नाउन लिखा और नाउन के लिए लाया रोज का काम, तो आपने एवरी डे विदाउट स्पेस की लगाया। इसको आपको ऐसे समझो कि अगर मुझे किसी एक्शन के लिए लिखना है ना, मुझे किसी एक्शन किसी कार्य के लिए लिखना है ना, तो मैं वहां पे एवरी स्पेस ऐसे लगा के डे वाला लिखूंगी। और मुझे अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कुछ लिखना है, मतलब एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना है, तो मैं वहां पे एवरी विदाउट स्पेस डे लिखूंगी। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये ज्यादा क्लैरिटी देगा ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आई स्टडी ठीक है, ऑप्शन एवरी डे स्पेस वाला है या फिर एवरी डे ठीक है। ओके इसका बताओ, नेक्स्ट बताओ। एक ये ए है, बी यहां पे लिख रही हूं ठीक है। आई डू माय एवरी डे, इसको यहां लिख देती हूँ, एवरी डे स्पेस वाला एवरी डे एक्सरसाइज ठीक है। अब बताओ मुझे, बताओ कौन सा करेक्ट है। शिट पूरा डिलीट हो गया यार, ये तो मेरा एवरीडे का काम है। चलो फिर से लिखना पड़ेगा यार। आई डू, इसी को लिखती हूँ, एक्सरसाइज
एवरी डे, ये स्पेस वाला है, या फिर एवरी डे, ठीक है. आई डू माई एवरी स्पेस डे या फिर एवरी डे एक्सरसाइज. अब बताओ कौन सा करेक्ट है, अब बताओ कौन सा करेक्ट है. इसको कहते हैं कंफ्यूजन. अब तुम सोचो हम लोगों को कितनी सारी चीजें पता ही नहीं है और हम लिख रहे हैं बस, जो एग्जामिनर सब पकड़ लेता है. आप लोग वो आई एम श्योर देखते होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, मॉक इंटरव्यूज, आईएसआई पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं यूपीएससी का, तो आप देखें उनमें कितनी छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं. आप कुछ भी बोलो उसमें से वो कुछ भी पकड़ सकते हैं. तो आप लोगों के लिए प्रिसिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब आप बताओ आई डू एक्सरसाइज, अब मैं करती हूँ एक्सरसाइज, तो मुझे करने के लिए बताना है रोज, है ना. वर्ब के लिए बताना है तो मुझे एडवर्ब लिखना पड़ेगा और स्पेस वाला एडवर्ब होता है कि नहीं. दूसरा मैं यहाँ पे नाउन के लिए लिख रही हूं मेरी रोज की एक्सरसाइज, तो नाउन के लिए मुझे लिखना है तो मुझे एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है. ये एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है. अभी कहानी से समझ में आ गई, अभी आपको पूरी बात समझ में आई है. एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर. वेरी गुड, वेरी गुड. आप अब लिखेंगे ना तो इन सब चीजों का ध्यान रखना. हम लोग बहुत सिली स्टूपिड मिस्टेक्स कर देते हैं और हमें उन सिली स्टूपिड मिस्टेक से बचना है. ओके, चले आगे मूव करें. एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं हम लोग. एवरीडे क्लियर हो गया. वन ऑफ द ट्रेन इज लेट या वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? बेटा कॉन्ट्रैक्शन कौन पूछता है बार बार? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. मैं बता चुकी हूं, लिख के बता दूंगी. अभी रुक जाओ, आखिरी में लिख दूंगी, ठीक है. सारे कॉन्ट्रैक्शन लिख दूंगे. ओके, मुझे बताएंगे. पीछे वाले में अभी भी कंफ्यूजन है. एक बार जहां जहां कंफ्यूजन होता है ना, आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखिया करो, है ना. कभी कभार क्या होता है हम लोग चीजों को ध्यान से नहीं देते. मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर स्पेस वाला है वो एडवर्ब है, तो जहां भी वर्ब के लिए लिखना हो वो एडवर्ब लगाओगे एवरी स्पेस डे, और जहां भी आपको नाउन के लिए लिखना है तो वो एवरी डे. अगर कोई नाउन है तो आप वहां पे एवरी डे लिखोगे, ठीक है. अब मुझे बता दो कि इसमें से इसमें से कौन सा करेक्ट है. वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, वन ऑफ द ट्रेन इज लेट. इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट एक की लहर चल रही है. आई स्टडी, बेटा आई स्टडी है ना, मैं पढ़ती हूं, तो मुझे इसको किस किसके लिए बताना है, मुझे एवरीडे किसके लिए लिखना है, आई के लिए लिखना है या पढ़ने के लिए लिखना. चलो मुझे बता दो जिसका कंफ्यूजन पीछे का चल ही रहा है. आई स्टडी जो मैंने लिखा था, आई स्टडी एवरी स्पेस डे या फिर एवरी डे. अब मुझे रोज लिखना किसके लिए, मुझे नाउन आई के लिए, आई के लिए लिखना है या पढ़ने के लिए लिखना, किसके लिए लिखना है? मुझे पढ़ने के लिए लिखना है कि मैं पढ़ती हूं रोज, तो आपको किसी एक्शन के लिए लिखना है, वर्ब के लिए लिखना है बेटा, तो आप ये लिखोगे, ठीक है. और अगर मैंने ये लिखा माई एवरी स्पेस डे या फिर एवरी डे स्टडी इज स्केड्यूल्ड. अब बताओ यहां पे आपको एवरीडे किसके लिए लिखना है, अब आपको यहाँ पे एवरीडे किसके लिए लिखना है? जिसका कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा रह गया है उनका क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे हाई कंफ्यूजन हाई कंफ्यूजन, तो यही वाली दिक्कत मुझे पसंद नहीं है. मुझे बता दो आप मुझे यहाँ पे एवरीडे किसके लिए लिखना, मेरी रोज की पढ़ाई, मेरी पढ़ाई यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, ये स्टडी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा था और यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है. मेरी पढ़ाई नाउन है, नाउन है तो मुझे एडजेक्टिव लगाना होगा, ठीक है. देखो कुछ स्टूडेंट्स हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मैं एक बात बता देती हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ग्रामर बिल्कुल
बिल्कुल जीरो होगा, आपने पढ़ाई नहीं होगा, मैं मान सकती हूँ, ठीक है। तो इस बात को समझो कि आपको 100 में से 60-70% समझ में आएगा, मगर जब आपके चैप्टर्स आ जाएंगे ना, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, टेंसेस, तो और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तब आप इस सेशन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए जो 60-70 था वो 100 में आ जाएगा। बस ये प्रोसेस है। अगर आप इसको बार बार उसमें अपने आप को लोड लेने की कोशिश करो, हाय मुझे समझ नहीं आया, हाय, तो उसका लोड मत, तो आप जब आगे का चीजें पढ़ लोगे क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अब मुझे बता दो, देखो वन ऑफ द ट्रेन हम क्या बोलते हैं, यह मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, ठीक है, ये कई ट्रेनों में से एक ट्रेन है जो टाइम पे आती है, ठीक है। तो वन ऑफ द ट्रेन या वन ऑफ द ट्रेन में से, हम इसका मतलब क्या है पहले समझो, वन ऑफ द नाउन इसका मतलब है इन में से एक, ठीक है। वन ऑफ माय इंग्लिश इज वन ऑफ माय सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश मेरा एक सब्जेक्ट है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप जब अनेकों में से एक कहना चाहते हो, अनेकों में से एक, राइट, इसी को हम कहते हैं वन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है कि अनेकों के लिए मुझे यहां पे प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा, है ना, अनेकों के लिए मुझे यहां पे प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। वन ऑफ द ट्रेन्स, बहुत सारी ट्रेनों में से एक ट्रेन जो है वो लेट है, ठीक है, बहुत सारी ट्रेनों में से एक ट्रेन जो है वो लेट है। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों है, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि शायद आपने लास्ट क्लास को ध्यान से नहीं देखा। रीजन, मैंने आपको ये बात पढ़ाया था कि प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के पहले वाला क्या होता है, प्रेपोजिशन के पहले वाला क्या होता है गाइस, प्रेपोजिशन के पहले वाला होता है सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट। ये वाली बात मैंने आपको करवाई थी, राइट, कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के पहले आता है सब्जेक्ट। Didn't I teach you guys? है ना, प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन के बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट। ये वाली बात करवाई थी और ये भी कहा था कि सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है। मैंने तुम लोग को फालतू थोड़ी इतना ज्ञान दिया जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लग रहा था कि अरे यार मैम क्या बढ़ा रही, इतना बेसिक ही क्या है। फिर मैंने तुम्हें कहा था बेटा नाउन आंदो, प्रोनाउन आंदो, वर्ब आंदो, पूरा हिला देगा अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर, तो है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो टेक्निकली इसको मैं क्लियर करूं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेरा पहले तो ये स्ट्रक्चर को समझो, पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझो कि हम जब भी वन ऑफ लिखते हैं, वन ऑफ द के बाद अब प्लूरल नाउन लिखते हो, इसका मतलब क्या है, अनेकों में से एक, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई टीचर्स, इसका मतलब मेरे बहुत सारे टीचरों में एक टीचर, मेरे बहुत सारे दोस्तों में एक दोस्त, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम, गेटिंग माई पॉइंट। सो वन ऑफ के बाद अब प्लूरल नाउन लगाते हो। अब वर्ब की बात आएगी तो आपको पता है कि बीच में लग गया प्रेपोजिशन, है ना, तो प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, और वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग आता है, और वन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब। मैम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंग, बेटा लक्ष्मी पार्ट ऑफ स्पीच भी हम पढ़ाएंग, बस अभी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि आप गलतियां ना करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नाउन चैप्टर आएंगे, प्रोनाउन भी आएंगे, लॉट्स ऑफ चैप्टर्स विल भी आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। मेरी, मैं तुम्हारे को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तुम मेरी इंग्लिश खराब कर दोगी। चलो ठीक है, तो वन ऑफ द ट्रेन, वन ऑफ द ट्रेन इज राइट, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाया आपने इज, वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, ओके। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज are miser. What is the meaning of miser, guys?
माइजर का मतलब क्या होता है? माइजर का मतलब क्या होता है? ये हम अपने दोस्तों को बोलते हैं। मेरा बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, कंजूस। माइजर इज कंजूस। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन लगाओगे। रटना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ चीजों को। देखो मिस्टेक्स तो हम करते हैं, रूल तो है ग्रामर में, मगर हम उसको समझ लेंगे तो मिस्टेक्स करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में बात बैठ जाती है, कितना रटोगे, वैसे भी इतना लर्न करना है तुम लोग को, है ना। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल नाउन, मगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इज वन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज माइजर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज माइजर। मेरे बहुत सारे दोस्त में से एक दोस्त बहुत कंजूस है, उससे जब भी पैसे मांगो तो बोलता है मेरे पास पैसे है ही नहीं। होते हैं ना दोस्त कंजूस, होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं। मुझे याद है हमारा 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 जब ग्रुप था, तो हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड था जो कि अच्छी पोजीशन में जा चुका था, और हम स्टूडेंट थे, तब भी जब भी उससे बोलो भाई पैसे नहीं है, और हमारे वॉलेट से पैसे गायब हो जाते थे, कि हम मतलब खर्चा वर्चा हो जाता खा पी लो, और मतलब लड़का लड़की बोले सब बराबर है, इक्वालिटी हमने एक्चुअली देखी, बोले अरे ऐसा थोड़ी होता कि लड़के ही पे करेंगे, लड़कियां भी पे करेंगे, हमारे वॉलेट से पैसे निकालो और हाँ दे दिए, बात खराब बराबर, लड़का लड़की इक्वालिटी की बात है ना। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज माइजर, ओके। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज वर प्रेजेंट, क्या लगाओगे बताओ? वन ऑफ द स्टूडेंट्स व या वॉज प्रेजेंट, क्या आंसर आएगा? चले क्या हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, बिकॉज द सब्जेक्ट इज वन, तो यहां पे वॉज आएगा, बट यहां पे अगर आपने सिंगुलर नाउन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, रूल्स लिखे हुए हैं। वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स, ध्यान रखना, ओके। ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक है, ओके। सो आप लोगों को टेंशन में, आपके कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बट आपको रिटर्न में भी दे रही हूँ ताकि आपको वहां का भी टेंशन ना हो, ओके। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग क्विकली। अब मुझे बताओ, शी कुड नॉट डिसाइड अमंग द टू शर्ट्स, कौन सा आएगा? लड़कियां टू शर्ट्स में डिसाइड नहीं कर पाए तो वो पूरी मार्केट घूम सकती है, लड़के टू शर्ट्स में डिसाइड ना कर पाए तो सोचते हैं छोड़ो यार दोनों ले लो, है ना। लड़की एक ही लेगी मगर पूरा मार्केट घूम लेगी, उसके बाद सोचेगी यार ले या ना ले, एक भी नहीं लेती कभी कभार, गर्ल्स का टैलेंट होता ही है। शी कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द टू टी शर्ट टू शर्ट्स, शी कुड नॉट डिसाइड अमंग द टू शर्ट्स, कौन सा करेक्ट है? सिंपल, तो दो के बारे में बात हो, जब भी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू, टू के लिए आप हमेशा बिटवीन का यूज करते हो, और मोर देन टू के लिए, ओके, मोर देन टू के लिए आप हमेशा अमंग का यूज करते हो, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। स्टूडेंट्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स या फिर बिटवीन देमसेल्व्स, क्या आएगा? स्टूडेंट्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स या फिर बिटवीन देमसेल्व्स, विच इज द राइट वन, बताएं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स या बिटवीन, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बहुत सारे हैं, है ना, दो ग्रुप में हैं तो अमंग आ जाएगा, और अगर कम दो लोग हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ फाइट बिटवीन, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ कॉपरेट बिटवीन ईच अदर या फिर अमंग ईच अदर, क्या हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ फाइट बिटवीन ईच अदर या फिर अमंग ईच अदर, विच विल बी द राइट वन? तो हस्बैंड वाइफ है, दो हैं तो बिटवीन, ठीक है। टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स कॉपरेट, नहीं, टू
two brothers and three sisters never cooperate between each other या among each other, कभी cooperate नहीं करते, right? क्या हो जाएगा? Among each other. तो दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे among का use हो जाएगा. Simple है, इसमें ज्यादा time नहीं लगाएंगे. ओके, दे हैड टू चूज द विनर बिटवीन द रेड एंड द ब्लू टीम्स. तो दो टीम है, रेड है और ब्लू है, तो बिटवीन लगा दो. इट्स वेरी सिंपल एंड कॉमन. दे हैड टू चूज अ विनर अमंग द फाइव कंपीटिंग टीम्स. तो यहाँ पे फाइव कंपीटिंग टीम्स हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप अमंग का यूज करोगे. तो जनरली क्या होता है, मैं बता रही हूँ इसमें आप लोग मिस्टेक कहाँ करते हो. आप सब में बिटवीन लगाते हो. मेरी बात से एग्री करोगे कि जनरली स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, जहाँ ध्यान ध्यान देते हैं, आप सब में बिटवीन लगा देते हो, है ना. जब आप लिखते हो तो सब में बिटवीन नहीं लगाना. बिटवीन इज वेरी कॉमन, अग्रीड, मगर सब में बिटवीन नहीं लगाना. दो में ही बिटवीन लगाइएगा. दो से ज्यादा है तो आप वहां पे अमंग का यूज करेंगे. आज आप लोग बैठ के सेंटेंसेस बनाएंगे, इस पे होमवर्क है आपका, ठीक है. अभी से थोड़ा थोड़ा करते, बोलते ना बूंद बूंद से सागर भरता, तो बूंद बूंद से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो. अगर आपने आज कुछ पढ़ा उस पर काम ही नहीं किया, उस पर इंप्रूवमेंट नहीं की, तो ये तो गलती रहेगी रहेगी, फिर और गलती, फिर तीसरी, फिर चौथी. तो आप लोग जब कोई चीज सीखे तो उसको उसी पे काम कर ले. मैं आपको एक बात बता रही हूँ गाइस, मंत्र बता रही हूँ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक मंत्र मैं आपको बता रही हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो एंडलेस है, इनफाइनाइट है सिलेबस. सिलेबस पे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ रह जाएगा. तो ये मत सोचो कि मुझे फटाफट सिलेबस निपटाना, कभी नहीं निपटेगा, इनफैक्ट आप निपट जाओगे, ठीक है. तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ये जो मंत्र है ये लाइफ लॉन्ग याद रखना. लाइफ लॉन्ग मतलब जब तक आप लोग पढ़ोगे. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी कि वॉट एवर यू आर स्टार्टिंग उसको बेस्ट तरीके से करो, कि जो मैंने आज पढ़ा इससे, इसमें मैं कभी गलती नहीं करूंगा, इस टॉपिक में कभी गलती नहीं करूंगा. अगर आप ये कर लोगे तो आप में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ये बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है. चलो अब मुझे एक इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स देखो. कुछ कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे कि हमको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ ना, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, है ना. कि मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया हुआ है, प्रोनाउन में मतलब पढ़ाऊंगी आगे, तो आप सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हो, ठीक है. मगर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ सिंगुलर है मगर आप आर्टिकल नहीं लगाते. एक तो यही सारे बहुत सारे रूल्स इंग्लिश ना, इंग्लिश आदि इंग्लिश एक्सेप्शन के साथ है. इंग्लिश वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग क्या करते हैं, पहले कोई रूल बताते हैं कि ये रूल है, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो है ही, मगर इसका ऐसे भी होगा इसमें. तो इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है कुछ कुछ चीजों में कि इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है. तो आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते. जैसे लैंग्वेज के सामने अ इंग्लिश नहीं लिखोगे, अ हिंदी या एन इंग्लिश नहीं लिखोगे, ओके. सो आप आर्टिकल्स, अरे मेरे भगवान, आर्टिकल मतलब ए एन द, मुझसे मिस्टेक हो गई, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए. आर्टिकल होते हैं ए एन और द, और आर्टिकल जो होते हैं आप इसको सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हो. अ बॉय, अ गर्ल, द रिवर, राइट. तो आप आर्टिकल का यूज करते हो सिंगुलर नाउन के साथ, ओके. अभी हमने लेक्चर खत्म नहीं किया बेटा, अभी हम पढ़ना, पिक्चर अभी बाकी है, डोंट वरी, अभी हमारी क्लास चल रही है तो भागने की जरूरत नहीं है, ओके. तो आप लैंग्वेज के सामने, किसी के नाम के सामने, किसी भी, अ क्रिकेट नहीं लिखोगे, अ फुटबॉल नहीं लिखोगे, इट विल ऑलवेज बी फुटबॉल, आप फुटबॉल ही लिखोगे, अ एंड द कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है. नेचर के सामने, साइंस के सामने, लाइफ, अ लाइफ नहीं, ओके, इट इज माय लाइफ, ठीक है. लाइफ इज प्रीशियस, सिंगुलर आप ये नहीं लिखोगे अ लाइफ इज प्रीशियस. तो एक्चुअली क्या है पॉइंट, ये कि जो भी चीजें जनरल होती है ना उसके सामने नो आर्टिकल, जनरल चीजों के सामने आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जनरल चीजों के सामने आर्टिकल का यूज नहीं होता. केमिस्ट्री इज अ मदर ऑफ इंग्लिश, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, नहीं लगाओगे, ओके. पार्लियामेंट के सामने, फ्रीडम के सामने, डेथ के सामने, जनरल सेंस में, जनरल सेंस में, ठीक है. आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो आपने किसी की स्पेसिफिक बोली, तो जैसे कि मैंने कहा द डेथ ऑफ दिस पर्सन वॉज हाईली डिस्कस्ड, ठीक है. तो मैंने इसकी डेथ की बात की, स्पेसिफिक की बात की, तब लगा सकते हो. मगर
अगर मैं बोलूं डेथ इज इनिविटेबल, मतलब मृत्यु जो है जनरल सेंस में उससे बचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जब आप जनरल सेंस में बोल रहे हो कि जनरली मृत्यु से नहीं, तो आप द डेथ नहीं लिख सकते। गेटिंग माय पॉइंट? द पार, देखो मेरी बात, स्पेसिफिक में द लगेगा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक करोगे तब द लगाओगे, अदरवाइज लगाओ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। देखो मैन और वुमेन, मैन इज मॉर्टल जनरल सेंस, वुमेन इज वल्नरेबल, है ना, वुमेन वुमेन इज वल्नरेबल, ठीक है, जनरल सेंस में स्पेसिफिक करोगे तो द लगा दोगे, ठीक है, ओके। तो अपना द हटा दो, आप लोगों को इसको हटा दो, इसमें फोकस कर लो, क्योंकि द की बात करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट, लीव इट, लीव द, जस्ट फोकस ऑन अ। तो आप इनके सामने आर्टिकल ए या एम नहीं लगाओगे, अ वुमेन या फिर अ पार्लियामेंट, अ ह्यूमैनिटी, अ मैनकाइंड नहीं लिखोगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट, आई थिंक क्लियर है यहाँ पे। तो जनरल केसेस में आप इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे, और अगर स्पेसिफिक की बात हुई, देखो द का रूल है कि जो भी स्पेसिफिक हो सबके साथ द आ जाता है, द जो है ना सबके साथ आ जाता है, जहां भी बात पर्टिकुलर के, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, जिसने भी आर्टिकल को पढ़ा है वो इस बात को जानता है कि जो आर्टिकल द है वो सबके साथ आ जाता है जब भी पर्टिकुलर की बात है, मगर जनरल केसेस में आप इनके साथ नहीं लगाते, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल में, ओके। कुछ वर्ब्स हैं गाइस जिसके साथ, कुछ वर्ड्स है सॉरी, जिसके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं होता। आई वेंट टू हिज होम, हम बोलते हैं आई वेंट टू हिज होम, बोल देते हैं ना ऐसे, गलत है। आप ध्यान रखना कि इन शब्दों के साथ आप कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते, ठीक है। कम, रोहन कम्स होम, ओके, रोहन कम टू दिल्ली, रोहन केम दिल्ली, ठीक है, रोहन केम टू दिल्ली, पास में लगा सकते हो, रोहन कम टू दिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है। तो कम के साथ, ही अराइव के साथ, गेट के साथ, सेंड के साथ, टेक के साथ, ब्रिंग के साथ, जब आप लिख रहे हो किसके साथ, होम, क्या लगा रहे हो, होम, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रोहन कम्स होम, ठीक है, he arrived home, they got home, they brought fruits, they brought us home, ठीक है। तो इनके साथ अगर आपने होम लगाया है और वर्ब लगाए गो, कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक, ब्रिंग, तो आप उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाओ, वी अराइव्ड होम लेट, वी अराइव्ड एट होम नहीं आएगा, ठीक है, वी अराइव्ड एट होम नहीं आएगा, रोहन कम्स टू होम नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माई, योर, हिज, देयर या जॉन्स, वेदर, वी यूज टू बिफोर नाउ, ठीक है, ये वाली सिंपल चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। राम वेंट टू हिज होम, मीना विल सेंड दिस आर्टिकल टू हर होम, ये मैं आपको ना प्रेपोजिशन में पढ़ा दूंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हम छोड़ देते हैं, प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि जब भी आप, है ना, जब भी आप कोई लीगल बात की बात करें, जब भी चीजें लीगली हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कोर्ट वर्डिक्स, अनाउंसमेंट, तो लीगल टर्म्स जो होते हैं ना, लीगल बातों के साथ में आपका जो मॉडल होता है ना वो शैल यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप लीगल बातें कर रहे हैं, लीगल जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर है या फिर कोर्ट का वर्डिक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो जब भी कोई भी लीगल बातें हैं, तो आपने सुना होगा ही शैल बी, ये बात आपने सुनी होगी, ही शैल बी हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है, ही शैल बी फाइंड, ही शैल बी इम्प्रिजन्ड फॉर 10 years, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप जो है क्या करते हो, आप जो है क्या करते हो, लीगल बातों के साथ आप किसका यूज करते हो, लीगल बातों के साथ शैल का यूज करते हो, यू शैल लीव नाउ, यू शैल या विल आंसर फॉर दिस मिसडीड्स, तो तुम्हें आंसर करना पड़ेगा, अगर वहां पे आपके पास ऑप्शन है विल और शैल, तो ध्यान रखना कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो जिसमें लीगल बातें हैं, ठीक है, तो आप वहां पे शैल का यूज करोगे, ही शैल,
he shall answer for his misdeeds. The penalty shall will not exceed 2 years in prison. The penalty shall not exceed 2 years in prison. मेरी बात समझ में आ रही है? तो whenever you're talking about some legal points, ठीक है, legal terms की बात कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पे shall का use करते हैं. Quick revision. अच्छा, इतनी जल्दी क्लास करनी, मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट है अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स पे भी कुछ डिस्कशन करना है. Give me a minute, फटाफट करते हैं हम. लेट मी सी, अभी हमारे काफी सारे टॉपिक तो यार अभी तो बहुत सारे टॉपिक रखे. ओके, मैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आ चुकी हूँ. मुझे लगता है इसका पार्ट टू करना पड़ेगा, तो इसका एक पार्ट टू कर दूंगी मैं. ठीक है, क्या कहते हो, इसका पार्ट टू करना है? इसके बाद हम थोड़ा सा राइटिंग्स वगैरह पे फोकस करेंगे, बट यस, इसके हम पार्ट टू पे चलेंगे, एक दिन पार्ट टू भी कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख रहे हो. क्या कहते हो, इसका पार्ट टू करना चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा. आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन बेटा, आई एम जस्ट टीचिंग. आपके कॉमेंट्स किसी के आ रहे हैं, किसी के जा रहे हैं, मुझे ज़रूर बता देना पार्ट टू करना है या नहीं इसका. ठीक है, चलो. Beside और besides में फर्क क्या होता है? There's a difference जो कि हम गलती करते हैं लिखते समय. Besides और beside में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिएगा. Beside और besides में बहुत फर्क होता है. ठीक है, ask him to sit beside me, इसमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है बताओ guys, इसमें से मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका पार्ट टू भी ले आऊंगी, डोंट वरी, ले आएंगे. अब मुझे बता दो इन दोनों में से कौन सा आपका पार्ट करेक्ट होगा. देखो, बिसाइड और बिसाइड्स में देखो, बगल एक बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा. ओके, और बिसाइड विदाउट एस इस मतलब बगल में. ठीक है, तो कोई मेरे बगल में बैठा है तो इज सिटिंग बिसाइड मी. तो बिना एस वाला जो वर्ड होता है वो बगल होता है, और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा. ठीक है, बिसाइड्स पिज्जा आई एम फीलिंग टू हैव गोलगप्पे. हाँ, राइट, तो पिज्जा के अलावा मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है. अभी शाम का टाइम है, सबको ऐसा ऐसा फीलिंग आएगी. आई एम डेड श्योर सबकी फीलिंग आ चुकी होगी कि अरे यार मैम क्या बोल दिया आपने. तो बिसाइड्स सैंडविच आई लव टू हैव पास्ता. ठीक है, तो मतलब इसके अलावा, तो हम बोले इसके अलावा मुझे ये भी. ठीक है, मेरी बात समझ में आए? तो जब भी हम किसी के अलावा की बात करें या एडिशन की बात करें, वी यूज बिसाइड्स. तो हम वहां पे बिसाइड्स का यूज करते हैं, और बिसाइड का मतलब, देखो इसको कंफ्यूजन होना तो याद रखना, जिसमें सिर्फ साइड है, जिसमें सिर्फ साइड है मतलब वही बगल है. जहां पे सिर्फ साइड की बात है वही बगल है. तो आपका द ब्राइड वॉज सिटिंग बिसाइड द ग्रूम, तो वो बिसाइड बगल में बैठी थी किसके, दूल्हे के, है ना, दूल्हे के, राइट. बिसाइड्स हर फेमस कपकेक्स शी विल डोनेट कुकीज एंड अ पाई टू द बेक सेल. तो कपकेक्स के अलावा, तो वो भाई आपका दिन खराब हो जाएगा, अभी सब खाने के बारे में सोचोगे क्लास के बाद. तो कपकेक के अलावा डोनट्स जो है, कुकीज भी हैं और पाई भी है, तो अब आप बस खाने के बारे में सोचोगे 10 मिनट में. ठीक है, ओके. सो बिसाइड दिस, किसी चीज के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में. एम आई क्लियर गाइज, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू टीच यू. आई हैव बीन इन अमेरिका फॉर 3 मंथ्स, आई हैव बीन इन अमेरिका सिंस 3 मंथ्स. अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है. चल बताएंगे आप लोग मुझे. I have been in America for 3 months. I have been in America since 3 months. और ये बहुत गलती करते हैं. It's a very common mistake. कौन सा करेक्ट है? Okay, we have a class till 7, so don't worry. अभी पढ़ लो, right? Yes. So a lot of people are saying B. तो अभी लहर बदलती जाती है आप लोगों की. Yes. So I have been in America for 3 months, this is right and this is wrong. ठीक है, तो जो B दे रहे हैं वो गलत आंसर है. अब इसमें क्या फर्क है? देखो, जब इसमें
फॉर और सिंस में डिफरेंस क्या होता है, फॉर और सिंस में डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम कि कितना टाइम हो गया है ना, पीरियड नंबर की बात करें, 2 महीने, 2 दिन, 4 साल, 4000 साल, 1 लाख साल, जितने भी हो जाए, 1 दिन, 1 आवर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड, ठीक है, तो आप वहां पे फॉर का यूज करते हो। और जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, मतलब कब से, ठीक है, हम जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें मतलब कि कब से, तो हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, देखो सेंटेंस तो देखो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर या सिंस 2 आवर्स, क्या लगाऊंगे, आई हैव बीन टीचिंग, मैं लिखूं इसको, थोड़ा स्पीड अप कर दे, लिखती नहीं हूं, आप लोग मुझे ऐसे ही बता दो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर सिंस आपका 2 आवर्स, तो 2 आवर्स क्या है, ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं क्या लगाऊंगी, फॉर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और अगर मुझे कहना हो आई हैव बीन टीचिंग फॉर या सिंस 5 PM, तो मैं 5 बजे से पढ़ा रही हूं, मतलब कब से, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी हूं कि मैं 5 बजे से पढ़ा रही हूं, मैं यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ इतने बजे से मैंने, इस टाइम से मैं पढ़ाना चालू की हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 PM, ओके, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 PM, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज, तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना हो कि कब से, वी यूज सिंस, और कितने टाइम से, ड्यूरेशन की बात, कितने टाइम से, तो फॉर, ओके, सो फॉर 20 मिनट्स, फॉर 3 डेज, फॉर 6 मंथ्स, राइट, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे 2 20 मिनट हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 6 महीने, ड्यूरेशन की बात हुई, जहां भी आप ड्यूरेशन की बात करेंगे फॉर का यूज करेंगे। और जब भी सुबह 9 बजे से, मंडे से, जनवरी से, राइट, 2020 से, तो आपने बस बताया कि कब से, तो वहां पे आप सेंस का यूज करोगे, ठीक है, वहां पे आप सेंस का, यू है ना, यू आर प्लानिंग, यू हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर फॉर या सिंस चाइल्डहुड, क्या लगाओगे, यू आर ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर सिंस या फॉर चाइल्डहुड, क्या लगाओगे, ओके, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, फीडबैक जरूर देके जाएगा आप लोग सब लोग सेशन का, ठीक है, तो बचपन से, तो यू विल यूज सिंस, आप वहां पे सिंस का यूज करोगे, फॉर का यूज नहीं करोगे, दैट्स रियली ग्रेट, नाइस, ठीक है। अच्छा बताओ, इस वाले में बताओ, ये भी मिस्टेक हम करते हैं, ऑन जनवरी 13th आई विल बी 20, ओके, इन जनवरी 13th आई विल बी 20, करेक्ट क्या होगा, चलो बताओ, ऑन जनवरी 13th आई विल बी 20, इन जनवरी 13th आई विल बी 20, ऑन और इन में मुझे डिफरेंस बताओ आप लोग, क्या होना चाहिए, देखो ऑन और इन बहुत कंफ्यूज करता है जब भी हम टाइम की बात करते हैं, है ना, याद रखिएगा इसको, इसका शॉर्टकट ऐसे लगा दो कि जब भी हम डेट मेंशन कर रहे हैं, हा? जब भी डेट की बात होगी आप हमेशा ऑन लगाओगे, ठीक है, जब भी आप डेट की बात करोगे या फिर डे की बात करोगे, जब भी आप 24 घंटे की बात करोगे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 24 आवर्स, जब भी 24 आवर्स की बात हो रही, चाहे वो डेट है, डेट के फॉर्म में होता है, और डे के, चाहे ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, ऑन 13, ऑन 14, ऑन 15, तो जब भी आप डे है, 24 घंटे की बात है, चाहे वो डेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो, चाहे डे के फॉर्म में, ऑन लगा दो, ठीक है, और बाकी जितना भी टाइम है, ठीक है, बाकी जितना भी टाइम है जो ड्यूरेशन की बात कर रहा है, राइट, तो इन लगा दो, इन 2 डेज, इन 2 ईयर्स, इन समर्स, इन विंटर्स, इन अ वीक, ड्यूरेशन है ना, तो आपका 24 घंटे के बाद का जितना भी टाइम, बड़ा वाला टाइम है, ठीक है, या फिर कोई ड्यूरेशन है, तो इन लगा दो, सॉर्टेड, कंफ्यूजन की बात ही नहीं, आप तो नहीं कंफ्यूज हो गए कभी, है ना, तो आप देखो, he will report on September 26th, तो date है, तो मैंने on लगा दिया, ठीक है, on a very hot evening in July, on a very hot evening in a July, right, तो आप यहाँ पे evening की बात कर रहे हो, specific time की, duration दिन की,
तो ऑन इन द समर, ठीक है, इन द समर आपका लंबे टाइम की तो इन लगा दिया. द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च मंथ है, इन लगा दिया. आई वॉज बॉर्न इन 1990 ऑन मंडे वी विल स्टडी, ऑन मंडे वी विल स्टडी दिस. तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन 13th आई वॉज बॉर्न ऑन 13th जून, तो ऑन लगा देंगे. गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑन और इनका कंफ्यूजन तो आप तो नहीं गलत करोगे कि ऑन कहां लगाना है. जहां भी डे डेट की बात हो ऑन लगा दो, जहां भी ड्यूरेशन की बात आई वहां पे इन लगा दो. ठीक है, आप आपके दिन में भी ड्यूरेशन होता है, जैसे इवनिंग होता है आपका, मॉर्निंग होता है, और इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, है ना गाइस, आफ्टरनून हो गया. तो ये ड्यूरेशन की बात हो, इनके अंदर के टाइम की बात हो तो इन लगाओगे. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. मगर मैं पूरे 24 घंटे की जो बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा 24 आवर्स, दैट इज डे और डेट, यूज ऑन. ठीक है, यहां पे मैं इवनिंग की बात कर रही हूं, है ना, ऑन अ वेरी हॉट इवनिंग इन जुलाई. ये वाला गड़बड़ है यहां पे, ये इन अ वेरी, हाँ यहां ये मिस्टेकन है, बाकी आपका करेक्ट है, बाकी आपका करेक्ट है. ठीक है, चलो रोहित कहां पे कंफ्यूजन है. अच्छा, अगर स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन एट एंड ऑन में जाना चाहते हो, देखो स्पेसिफिक बात टाइम की बात करो तो एट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, एट नून. नून क्या होता है? 12 बजे. एट 2 पीएम, एट 5 पीएम, एट नाइट. आपका नाइट 12 बजे के आसपास, इवनिंग बोल देते हम लोग. तो जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, तो वहां पे एट लगा देते हो. जब आप 24 घंटे की बात करते हो तो वहां पे आप लगा देते हो ऑन. ठीक है, और जब भी आप ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन की बातें करते हो तो वहां पे आप इन लगाते हो. ठीक है, एम आई क्लियर? ओके बेटा, आप लोगों की क्लासेस ना इंग्लिश के बहुत ज्यादा नहीं है, बात मैं आपको बता दूं. आप लोगों की आज लाइव क्लास है, बाकी इसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे मेरी चैप्टर वाइज. तो शायद मैं आपको लाइव ना मिलूं, तो एंड करनी है क्लास जल्दी. इसके बाद आपको शायद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी बाकी चैप्टर्स की. यहाँ पे तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पा रही हूँ. अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप लोग टीम को बता दीजिएगा कि क्लास लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड, बट आपको लाइव क्लासेस मिलने वाले, रिकॉर्डेड मिलेंगी बाकी. और कुछ टॉपिक्स जो है वो वृंदा मैम कवर करेंगे. यस, हाँ, सो फर्स्ट टू क्लासेस आर लाइव एंड देन यू गेट द रिकॉर्डेड सेशन. ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, ये वाला बता दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला बताओ आपका, आपको आता है नहीं आता, फिर मुझे एक टॉपिक बढ़ाना जो मैं छूट रहा है वो मैं आपको कवर कर दूंगी, देन विल एंड द सेशन. ठीक है, आपकी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देन विल एंड द सेशन, डोंट वरी. बता दो मुझे, If I was going to the movie, if I were going to the movie, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? बताओ, if I was going to the movie, if I were going to the movie. Actually guys, इसमें ना देखो, इसमें इस बात को कंसेप्ट पहले आएगा तब आप इस बात को बोल पाओगे कि कौन सा करेक्ट है. जब भी हम कोई बात को इमेजिन कर रहे हैं, है ना, मतलब कोई विश है हमारी, जब भी कोई चीज को हम अपनी विश बता रहे हैं, हमारी इच्छा बता रहे हैं, जब भी हम अपनी इच्छा बताते हैं, ठीक है, विशिंग समथिंग, तो हम वहां पे आई के साथ वर लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी, इफ ही वर अ डॉक्टर, ठीक है, सब्जेक्ट आपका ही भी होगा, शी भी होगा, इट भी होगा, राइट, सिंगुलर भी होगा, तो भी आप वर का यूज करोगे. ये वर बताएगा कि भाई ये तो मेरी विश है, इच्छा है, ये एक इमेजिनेशन है. गेटिंग माई पॉइंट? ये एक इमेजिनेशन है,
या एक इमेजिनेशन है. सो वेन एवर यू इमेजिनिंग और विशिंग समथिंग यू विल यूज वर. इफ आई वर गिवन द चांस, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द शाहरुख खान, इफ आई वर शाहरुख खान, अगर मैं शाहरुख खान होता. तो जब भी आप कोई विश बता रहे हो, आप लोगों की कौन कौन सी विश है जो आपको लगता है अगर ऐसा होता, अगर मैं इसकी जगह होता, या फिर जो भी आप विश की अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं जो इमेजिनेशन के फॉर्म में है, तो उसके साथ आप हमेशा वर का यूज कर दो. याद रखिएगा, उसके साथ आप हमेशा वर का यूज कर दो. इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ क्वीन, ठीक है. और कौन से हो सकते हैं, और भी खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं. ओके, सो आप लगाएंगे वहां पे इफ आई वर एन एक्ट्रेस. ओके, तो आपके जब भी आप इमेजिनरी आप अपनी विश बता रहे हो, इफ शी वर द एक्ट्रेस, शी वर एन एक्ट्रेस या एक्ट्रेस या द लगा दो, जो भी होगा, मगर वहां पे अगर सब्जेक्ट शी भी है, आई भी है, ही भी है, तब भी वर लगाओगे, ठीक है. चलो, सो गाइस आई थिंक आपके इंपॉर्टेंट रूल्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं. A lot of things which are remaining I need to teach you. So, ये वाली चीज का पार्ट टू हम कर लेंगे. मैं आपको उसकी क्लास का पार्ट टू दे दूंगी. ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से और इसका पार्ट टू कर लेंगे. ओके, चलो नेक्स्ट. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प्स. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प्स, कौन सा करेक्ट है? इफ आई वर गॉड, हाँ ये भी कह सकते हो. मुझे बता दो गाइस इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प, कौन सा करेक्ट है? बेटा इसी से तो पता चलेगा कि आपने सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर लगाया हुआ है, ठीक है. हाँ जी, ओके, प्लीज लेट मी नो ए या बी. तो याद रखिए गाइस, हम लोग ये बोलते हैं ना तो बहुत गलत बोल देते हैं. याद रखना कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वी जनरली स्पीक दिस, कई बार हम बोलते हैं बोलते बोलते इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज नेवर यूज. ये वर्ड ही गलत है, ठीक है, ये वर्ड ही गलत है. आप यहाँ पे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर सकते हैं, या फिर इन माई व्यू यूज कर सकते हैं. इन माई व्यू यूज कर सकते हैं, आप इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगाते. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इन माई व्यू, यही दो लिखते हो. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो हम जनरली बोल देते हैं या लिख देते हैं, अगर आप कल किसी इंटरव्यू में जाओगे और आप कहोगे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो वहीं पर आपके मार्क्स कट कर देगा, क्योंकि ये गलत ग्रामर है, ठीक है. ये ग्रामर आपकी गलत है. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, या आप लिखोगे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कहोगे इन माई व्यूज, इन माई व्यूज. गेटिंग माई पॉइंट? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी हैज टेकन अ गुड डिसीजन, आप ऐसे लिखोगे, या फिर इन माई व्यू रॉबर्ट इज द राइट पर्सन फॉर द जॉब. ओके, इन माई व्यू रॉबर्ट इज द राइट पर्सन फॉर द जॉब, या फिर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी हैज टेकन अ गुड डिसीजन. ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, मगर अगर आप वहां पे लिख दो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. और ये जनरली हम लोग, आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है या आपसे कोई पूछ रहा है, आपके व्यूज ले रहा है, तो हम यूज कर देंगे, तो आपके नहीं पे मामला खराब हो जाएगा, ठीक है. मैम यूपीएससी के इंटरव्यू में ठीक ठाक इंग्लिश चल जाती है. बेटा अगर आप इंग्लिश मीडियम्स हो तो वो आपको पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है. अगर आपके इंग्लिश मीडियम्स हो तो उनको देखो, जो एग्जाम जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं वो किसी भी पॉइंट में आपसे पूछ सकते हैं, उनका मुद्दा कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है. वो आपकी आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करेंगे, आपके वो चेक करेंगे कि आप कितने चीजों में कितने कितना ध्यान देते हैं, राइट. ये सब आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, तो ये सब आपकी पर्सनालिटी की क्लास पार्ट में आ जाता है जो आप लोग चेक करने वाले हैं. अच्छा ये बता दो, हम लोग फर्स्ट क्लास एंड करेंगे जल्दी से, जो ये बता दो आप लोग जल्दी से, शी स्टडीड फॉर द फुटबॉल गेम, शी स्टडीड ड्यूरिंग द फुटबॉल गेम, इसमें से कौन सा करेक्ट है? मतलब
मैम प्लीज स्टार्ट राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स पे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा टॉपिक अभी खत्म नहीं हो पाया है, तो इसका हम पार्ट टू कर लेंगे और कुछ पॉइंट्स हमारे जो अभी रह गए वो करेंगे और सब राइटिंग स्किल्स पे भी डिस्कशन करेंगे. मुझे लगता है आप लोग एग्जॉस्ट भी हो गए हैं 2 घंटे की क्लास में, तो राइटिंग स्किल्स पे मैं इतना डिस्कशन करूंगी तो तुम्हारा ध्यान वैसे भी नहीं जाएगा, है ना. तो लेट इट बी, हम दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल्स पे डिस्कशन कर लूंगी. देखो देखो फॉर जो होता है, मैंने अभी आपको बताया फॉर का यूज हम करते हैं तब जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, राइट. ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितना टाइम हो गया, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है. ड्यूरिंग का मतलब होता है कि जब एक्शन आपका चल रहा हो, जब आपका एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक है. जब आपका एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में है, एक्शन ऑलरेडी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है. आपका एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है, तो आप ड्यूरिंग का यूज कर. शी स्टडी ड्यूरिंग द फुटबॉल गेम, मतलब फुटबॉल गेम के दौरान वो पढ़ रही थी. यू आर राइटिंग योर नोट्स ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है. तो तुम लोग क्लास के दौरान अपने नोट्स बना रहे हो. तो जब आपका कोई काम चल रहा है उसके साथ साथ आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ठीक है. और फॉर का यूज तब करते हैं जब आप पूरे इस इवेंट का स्पेसिफिक टाइम बता देते हैं, ओके. द रेस्टोरेंट इज ओपन ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के दौरान जो है रेस्टोरेंट ओपन रहता है. और आपका फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब वो स्पेसिफिक एक्शन खत्म हो चुका है उस टाइम पीरियड को बताते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट स्टडीड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए उसने पढ़ाई की, तो 5 घंटे जो थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है. शी स्टडीड फॉर 5 आवर्स, She was jailed for 12 years. ये ठीक है, मगर you study during the day. तो यहाँ पे ठीक है, the restaurant is open during the day. Okay, तो जब कोई action जो चीज चल रही है उस particular time पे, तो आप वहां पे दौरान का use करते हो, during का use करते हो, okay. चलिए, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं. यू वॉन्ट मी टू रिकैप इट, क्विक रिकैप कर सकती हूं मैं, मगर उसमें भी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है. एक सेकेंड, चलो देखते हैं. क्विक रिकैप चाहिए आप लोगों को, एक बार कर लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं. मैंने आपको कहा था कंडीशनल सेंटेंस के साथ आप मॉडल का यूज नहीं करते हैं, इफ वाले क्लॉज के साथ आप मॉडल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है. फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मैरिड के साथ आप टू का यूज करते हैं, विद का यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी. फिर मैंने आपको पढ़ाया ये वाली बात कि ऑल्दो के साथ, ऑल्दो और दो के साथ बट का यूज नहीं होता, आप हमेशा कॉमा लगाते हैं या फिर येट लगाते हैं. फिर मैंने बताया कि कोई भी चीज किसी चीज से बनी है और वो उसके उसी के फॉर्म में है तो ऑफ लगाओगे, और कोई चीज किसी चीज से बनी है, मेड अगर आप यूज कर रहे हो और उसने अपना फॉर्म बदल दिया और उसको वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते, तो आप वहां पे फ्रॉम का यूज करोगे, ठीक है. फिर मैंने आपको पढ़ाया कि Although दो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, योर जो भी पोजेशन जो होते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट, जो पोजेशन के साथ आपने जो नाउन लगाया उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे, ओके. फिर हमने यू योर डिस्कस किया था, योर जो होता है वो पोजेशन को शो करता है और यू के साथ अपोस्ट्रोफ आर लगाते हैं, वो यू आर है, ठीक है. फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि एक्शन में किसी की डेथ हो तो इन, आपकी किसी की कॉज में किसी की डेथ हो तो फॉर, डिजीज से डेथ हो तो ऑफ, और अगर किसी कि वो किसी और कारण की वजह से डेथ हो तो फ्रॉम, ठीक है. इट्स और इट्स का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है. दे देयर और दे आर में हमने डिस्कशन कर लिया क्या डिफरेंस है, देयर प्लेस है, देयर पोजेशन है, और दे आर आपका कंट्रैक्शन है, ठीक है. टू का डिस्कशन हमने किया था कि टू टी डब्ल्यू टू जो होता है वो आपका किसके लिए आता है, टू होता है एडजेक्टिव्स के लिए और इनफ नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. ये डिस्कशन किया हमने. फिर हमने ये डिस्कस किया एवरीडे और एवरीडे में फर्क क्या है. अगर आप नाउन के लिए लगा रहे हो तो आप एवरीडे बिना स्पेस के लिए लगाओगे एडजेक्टिव, और अगर आप वर्ब की जगह वर्ब के लिए लगाना चाहते हो, मतलब आप एडवर्ब के फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप एवरी स्पेस डे लगाओगे, ओके. वन ऑफ के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन लगाओगे, क्योंकि और मगर क्योंकि हम कहते हैं अनेकों में से एक, मगर सब्जेक्ट आपका वन ऑफ है तो आप वहां पे वन के अकॉर्डिंग वर्ब लोगे,
ये डिस्कशन कर लिया हमने बिटवीन और अमंग, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल्स कुछ शब्दों के साथ नहीं लगाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। लीगल लैंग्वेज में हम शैल का यूज करते हैं, बिसाइड बगल में होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा। ओके, फिर आप ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करते हो और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हो, ये डिस्कस कर लिया हमने। ऑन इन डे के लिए 24 आवर्स, और या डेट के लिए लिख रहे हो तो ऑन, आप ड्यूरेशन के लिए लिख रहे हो तो इन, स्पेसिफिक टाइम के लिए लिख रहे हो तो आर। हम प्रेपोजिशन में डिस्कस कर लेंगे। कोई चीज आपकी इमेजिनरी है, विश है, तो आप सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर क्यों ना हो, आप वर्ब का यूज करते हो वहां पे। ओके, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आपका इन माई व्यू होता है। आप ड्यूरिंग लगाते हो ड्यूरेशन को, एक्शन अगर कॉन्टिन्यूशन में है, और फॉर लगाते हो ड्यूरेशन बताने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। देखो मैंने 2 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दिया 2 घंटे की क्लास को। तो सेशन अगर आपको पसंद आए तो आप लोग इसका फीडबैक अच्छा दे दीजिएगा, और आपकी बाकी की क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, और अगर कोई फॉर्मेट चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपने जो भी आपके व्यूज हैं आप अपनी टीम को बता सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग पे हम लोग क्लास करेंगे बहुत जल्दी, कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मगर जो भी आपको पढ़ाया गया है प्लीज उस पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी हो जाएगा। तो जो भी आप पढ़े हैं उसको नोट डाउन कर लिया है तो आज एक रिविजन क्विक करके आप लोग उसको पैराग्राफ्स में डालने की कोशिश कीजिएगा। कैसा रहा सेशन ये जरूर बताइएगा आप लोग। यस, फीडबैक सब लोग देके जाया करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एजुकेटर्स। वी वॉन्ट लाइव क्लासेस, आप ये टीम को बता सकते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट तो नहीं हुई अभी, आपकी गुड इवनिंग है वैसे, मगर गुड इवनिंग हम जब मिलते हैं तब होता है। तो सी यू, टाटा, बाय बाय। जब आप सोने जाते हो तब आप गुड नाइट कहते हो, याद रखिएगा। ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए बाकी सारे सेशंस लेकर आती रहूंगी। बाकी कुछ भी है तो आप टीम को मेंशन कर दीजिएगा, टीम को मेरी तरफ से, मुझे टीम से पता चल जाएगा। बाय, टेक केयर।